So we are starting and continuing with our Yakin series. And why Yakin? As I said, that मेरे को विश्वास है कि आप लोग पास हो सकते हैं और इस बार हमको पास होना ही है, ठीक है? So in the last session we have done with EBCL revision and today we are starting with Company Law. Two most important chapter, that is General Meeting and Board Meeting, we are taking today. And the next very important chapter, the entire थ्री चैप्टर का जो सीक्वेंस है दैट इज डायरेक्ट वी टेकिंग इन द नेक्स्ट सेशन. क्लियर? ये जो पूरा वीडियो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड विद नोट्स एवरीथिंग. सो जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग सो दैट आर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिकम्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग. सो वी स्टार्ट नाउ. अब देखिए, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बोर्ड मीटिंग, नाउ बोर्ड मीटिंग का जो सेक्शन है, नाउ दैट इज सेक्शन 173 से लेकर सेक्शन 176. तो यहाँ पे जो 173 से 176 है, तो इसमें क्या बोला गया है 173 में, दैट हर एक कंपनी को बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. सो अब ये बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में हो जानी चाहिए, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एंड इसके बाद साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, चार मीटिंग होनी चाहिए. एंड दो मीटिंग के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 120 डेज. अब देखो, अब अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, नाउ 173(1) के प्रोविजन में क्या दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो मे बाय नोटिफिकेशन, मतलब एग्जम्पशन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी को सेक्शन 173 से एग्जम्पशन भी दे सकता है या सर्टेन कंडीशन से रिलैक्सेशन भी दे सकता है. मतलब 173 विच टॉक्स अबाउट द बोर्ड मीटिंग, नाउ दैट एग्जम्पशन कैन बी गिवन. तो बेसिक पॉइंट पहला याद रखना है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए, within 30 days of incorporation, and साल में चार मीटिंग, एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन टू मीटिंग इज 120 डेज. अब एक चीज समझो, यहाँ पे वट इज रिक्वायर्ड, दैट सेक्शन 8 कंपनी के लिए ओपीसी के लिए क्या प्रोविजन दिया गया है. अब देखो, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज द स्टार्टअप कंपनी, उनके लिए क्या प्रोविजन दिया गया है कि उनको कितनी मीटिंग करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन मीटिंग करना पड़ेगा. नाउ यहाँ पे सिक्स मंथ्स में कैलेंडर ईयर, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैलेंडर ईयर, इसका मतलब जनवरी टू दिसंबर, तो आपका कैलेंडर ईयर में सिक्स कैलेंडर मंथ्स में एक मीटिंग करना पड़ेगा, मतलब साल में दो मीटिंग करना पड़ेगा. एंड गैप बिटवीन टू मीटिंग शैल बी मिनिमम 90 डेज. क्लियर? अब यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या बोला गया है, सेक्शन 8 कंपनी में उनको सिक्स कैलेंडर मंथ्स में एक मीटिंग करना है, साल में दो मीटिंग करना है, मतलब जनवरी से जून तक वन मीटिंग, जुलाई टू दिसंबर वन मीटिंग. अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में गैप की कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब क्या लिखा है, तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए शैल होल्ड वन मीटिंग विद इन एवरी सिक्स कैलेंडर मंथ्स. अब देखो, अब यहां पे वट इज बींग सेड कि अगर अपने को मीटिंग करना है तो मीटिंग में अपने को डायरेक्टर्स को नोटिस देना पड़ेगा. अच्छा, कितने दिन की नोटिस देना है, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग अनलेस AO प्रिस्क्राइब अ लॉन्गर पीरियड. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर AO में बोला है कि आपको 10 डेज की नोटिस देना है तो 10 डेज देना पड़ेगा, अदरवाइज 7 डेज नोटिस इज मिनिमम 7 डेज नोटिस नीड टू बी गिवेन. अच्छा, ये नोटिस हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं, सो नोटिस कैन बी गिवन बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अब इसे देखना कि अगर आपने पोस्ट से नोटिस भेजा है तो आपको एडिशनल 2 डेज ऐड करना पड़ेगा, मतलब वहां पे लेंथ ऑफ नोटिस कितना हो जाएगा, 7 डेज प्लस 2 डेज, मतलब 9 डेज हो जाएगा. नाउ अब अगर मान लो कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर बोलता है कि आई नीड अ नोटिस इन अ पर्टिकुलर मैनर, सो इन दैट केस द नोटिस विल बी गिवन टू द डायरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर मैनर. एंड कंपनी ने डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा है, इसका प्रूफ मेंटेन करना पड़ेगा कितने पीरियड के लिए, 3 इयर्स के लिए. क्लियर? अब व्हाट इज बीइंग सेड दैट यहां पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, नाउ देयर आर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 व्हिच इज अ मैंडेटरी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड डील्स विद बोर्ड मीटिंग, एंड देयर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 व्हिच इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर जनरल मीटिंग व्हिच इज अगेन मैंडेटरी. तो यहां पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 व्हिच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st October 2017, now it's prescribed that जो भी proof of sending of notice है that have to be maintained for a period of 3 years. अब यहाँ पे agenda के लिए, now what is agenda?
एजेंडा इज बेसिकली कि आपको पर्पस बताना पड़ेगा कि आप मीटिंग में क्या करने वाले हो, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ एजेंडा के लिए कंपनी ने कोई प्रोविजन नहीं दिया है. नाउ दैट इज प्योरली बीइंग गिवन अंडर द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. अब देखो, अब डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेगा. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज इफ इट इज अ बोर्ड मीटिंग इन पार्टिसिपेशन इज ऑफ द डायरेक्टर्स ओनली, तो डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेगा. सो मे अटेंड द मीटिंग इन पर्सन, मतलब पर्सनली आ सकता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. अच्छा, जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करने की बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जैक्टली द रूल थ्री. नाउ व्हाट रूल थ्री टॉक्स अबाउट दैट आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हो. तो आपको सब डायरेक्टर्स को नोटिस देना पड़ेगा. अच्छा, कोई डायरेक्टर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट. कंपनी यहाँ पे जब कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करेगा तो उसको रोल कॉल किया जाएगा. नाउ रोल कॉल में मतलब डायरेक्टर बताएगा कि वो किस ज्योग्राफी से है, उसको एजेंडा मिल गया है, एंड ऑल द डायरेक्टर शुड बी एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, सी ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर. सो एंटायर रूल थ्री हैज बीन गिवन. अब नाउ व्हाट इज द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. नाउ यहाँ पे क्या लिखा है कि नोटिस जो दिया जाएगा, एज यू डिस्कस, कि कितने दिन का दिया जाएगा, 7 days का नोटिस दिया जाएगा टू ऑल द डायरेक्टर. कैसे दे रहे हैं, हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अब यहाँ पे एंड अगर हमने पोस्ट से भेजा है तो क्या करना पड़ेगा, 2 days ऐड करना पड़ेगा. मतलब इट विल बी 7 days प्लस 2 days, मतलब 9 days हो जाएगा. अब अगर मान लो 7 days की नोटिस देना पॉसिबल नहीं है तो शॉर्टर नोटिस से भी आप बोर्ड मीटिंग कर सकते हो फॉर एनी अर्जेंट मैटर. कंडीशन क्या है कि उस मीटिंग में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है. इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे वर्ड लिखा है इफ एनी. नो इफ एनी मतलब कि क्या हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, नहीं. इफ यू रीड सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 विच टॉक्स अबाउट दैट कंपनीज दैट नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विच वी विल डिस्कस इन डायरेक्टर्स ऑल्सो. सो वहाँ पे अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो शॉर्टर नोटिस बोर्ड मीटिंग जो हम लोग करेंगे उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है. और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो उस बोर्ड मीटिंग के डिसीजन को सारे डायरेक्टर्स सर्कुलेट किया जाएगा एंड देन दैट डिसीजन विल बी फाइनल. कब फाइनल माना जाएगा, व्हेन इट हैज बीन रेटिफाइड बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब यहाँ पे जब नोटिस बोर्ड मीटिंग की नोटिस सारे डायरेक्टर्स को दिया जाएगा तो नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा सो दैट कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर रिगार्डिंग द ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो वीडियो मीन्स एंड शैल प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एनेबल द डायरेक्टर टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अब नाउ एंड डायरेक्टर इंटेंडेड टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसको अपना इंटेंशन किसको बताना है, कंपनी के चेयरपर्सन को या तो कंपनी सेक्रेटरी को. अब अगर डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला है कि वो किस तरीके से मीटिंग अटेंड करेगा तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, दैट ही इज अटेंडिंग द मीटिंग इन फिजिकल मैनर. क्लियर. अब देखो नाउ सो इफ यू सी रूल थ्री. नाउ रूल थ्री इज बेसिकली द एंटायर रूल विच टॉक्स अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड. नाउ तो यहाँ पे अगर डायरेक्टर कैन अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स, अब इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को नेसेसरी अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि मीटिंग अनइंटरप्टेड चले और उसमें कोई भी कनेक्शन इशू ना हो. एंड चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी ये इंश्योर करेगा कि जो सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मीटिंग है वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही मीटिंग में अलाउ होने चाहिए, मतलब अदर देन डायरेक्टर नोबडी शुड बी अलाउड टू हैव द एक्सेस ऑफ द मीटिंग. फर्दर क्या लिखा है दैट सारे नेसेसरी इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग अटेंड कर सको. जो भी मीटिंग में होगा उन प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाएगा. अच्छा, रिकॉर्डिंग कब तक रखी जाएगी, जो भी रिकॉर्डिंग किया गया है, मीटिंग जो भी हुआ है उसकी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे एंड मिनट्स प्रिपेयर किया जाएगा. और ये रिकॉर्डिंग कब तक रखी जाएगी, जब तक उस साल का ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता. फर्दर क्या लिखा है, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट डायरेक्टर, ओनली डायरेक्टर शुड बी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग. लेकिन अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब इफ एनी डायरेक्टर इज सब्जेक्ट टू सम फिजिकल डिसेबिलिटी, सो विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन ही कैन
I can request a person to accompany him in the meeting. एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज दैट कि कंपनी सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक डायरेक्टर एक दूसरे को देख सके, सुन सके एंड मीटिंग की प्रोसीडिंग को समझ सके. फर्दर क्या लिखा है दैट अगर डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग अटेंड करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना ये इंटीमेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दे देना पड़ेगा विच विल बी वैलिड फॉर कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए. अब ये चीज़ याद रखना कि अगर आपने डायरेक्टर्स को इंटीमेशन दे दिया, कंपनी को इंटीमेशन दे दिया दैट यू आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप फिजिकल मोड से नहीं आ सकते. अगर मान लो किसी पर्टिकुलर मीटिंग में अगर आप फिजिकल मोड से आना चाहते हो तो आ सकते हो, यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म द कंपनी. सो यहाँ पे क्या लिखा है, सो यहाँ पे डायरेक्टर हु अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गिव प्रॉपर इंटीमेशन टू कंपनी एंड चेयरपर्सन. और अगर कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया है तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि डायरेक्टर इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग इन फिजिकल मैनर. क्लियर? और ये चीज़ अपने को नोटिस ऑफ मीटिंग में मेंशन करना पड़ेगा. अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब आप मीटिंग चालू करोगे तो चेयरपर्सन क्या करेगा, रोल कॉल करेगा. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल कॉल, दैट जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से अटेंड कर रहे हैं वो अपने को इंट्रोड्यूस कराएंगे, नाम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, कौन सी ज्योग्राफी से हैं, उनको एजेंडा मिल गया है, कोई और पर्सन नहीं है वहाँ पे. All those things are forming part of the roll call. Now, after the roll call, chairperson or company secretary क्या inform करेगा कि कौन कौन से directors meeting में present हैं, इसके अलावा वो कौन कौन से person meeting में present हैं other than director, या तो board के request पे या तो board की permission से. इसका मतलब क्या हुआ कि board meeting में और कौन कौन से person हो सकते हैं other than director, तो company secretary हो सकता है, other than director is CFO, CEO, अदर देन डायरेक्टर इज ऑडिटर, तो ये सब भी मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं. सो यू हैव टू इन्फॉर्म कि इस मीटिंग में ये लोग भी प्रेजेंट हैं. अब नाउ रोल कॉल कैन बी मेड एट द कंक्लूजन एंड एट द रिकमेंसमेंट आफ्टर एवरी ब्रेक टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ द कोरम. अब इसे देखना कि कोरम जो होता है ना, नाउ कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, नाउ दैट हैव टू बी मेंटेन नॉट ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो थ्रू आउट द मीटिंग. एंड बिकॉज इट नीड टू बी एंश्योर थ्रू आउट द मीटिंग, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रोल कॉल लेना पड़ेगा अगर मान लो मीटिंग में आपने कोई ब्रेक दिया है. नाउ व्हाट जनरली हैपन दैट इफ द मीटिंग इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, कई बार बोर्ड मीटिंग में ऐसे एजेंडा मैटर होते हैं कि मीटिंग 3-4 घंटे 5 घंटे तक चल जाती है, तो 5 hours में बीच में एक ब्रेक लिया जाता है, तो यू हैव टू सी दैट इफ देयर इज अ ब्रेक बीइंग टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग तो उसके बाद भी कोरम प्रेजेंट रहनी चाहिए. फर्दर क्या दिया है, नाउ अब यहाँ पे जब भी मीटिंग होगा एंड इफ द मीटिंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसका वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या होगा, तो वेन्यू ऑफ मीटिंग, अब अगर आप इफ यू बीइंग द डायरेक्टर एंड इफ यू आर अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यू आर इन योर ज्योग्राफी, तो कोई US में है, कोई अमेरिका में है, कैनेडा में है, लंदन में है, तो मीटिंग का वेन्यू क्या होगा, तो जो भी मीटिंग होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. तो जब रिकॉर्डिंग जहाँ पे होगा प्लस जहाँ पे आपने इफ अ डायरेक्टर वांट टू अटेंड द मीटिंग इन फिजिकल मैनर, तो वहाँ पे आपको मीटिंग का एक वेन्यू बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर कहाँ पे आ सकता है, दैट इज कंसिडर टू बी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग. फर्दर क्या लिखा है, नाउ जो भी कंपनी के स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं वो बोर्ड मीटिंग में प्लेस किए जाएंगे, और अगर इफ रजिस्टर्स इज रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय द डायरेक्टर, कौन सा रजिस्टर साइन करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रजिस्टर कॉल्ड रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडेंस इन द बोर्ड मीटिंग, सो इफ एनी रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय द डायरेक्टर देन द डायरेक्टर्स हु आर अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन विल साइन द सेम. एंड जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से डायरेक्टर अटेंड कर रहा है उसका कंसेंट मिनट्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है. फर्दर क्या लिखा है, अगर आप डायरेक्टर हो एंड इफ यू वांट टू स्पीक, इफ यू वांट टू गिव एनी इनपुट, देन यू हैव टू गिव योर आइडेंटिटी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, एंड चेयरपर्सन हैव टू एंश्योर दैट जो भी मीटिंग होनी चाहिए वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, उसमें कोई भी पर्सन ग्रैबल्ड ना हो. ग्रैबल्ड ना हो मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसने कुछ बोला और बाकी लोग को समझ में नहीं आया, और अगर ऐसा होता है तो वहां पे चेयरपर्सन कंपनी सेक्रेटरी रिक्वेस्ट कर सकता है कि काइंडली रिपीट द सेम. फर्दर क्या दिया है दैट अगर मान लो किसी पर्टिकुलर मैटर में वोटिंग कराने की जरूरत है तो चेयरपर्सन क्या करेगा, वापस रोल कॉल कराएगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वापस रोल कॉल कराएगा, इसका मतलब क्या हो गया दैट आपको वापस अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू से कि इस पर्टिकुलर मैटर में आपका आंसर यस है या आपका आंसर नो है. फर्दर क्या दिया है, नाउ
कंक्लूजन, मीटिंग के कमेंसमेंट से लेके कंक्लूजन तक कोई भी पर्सन अदर देन चेयरपर्सन डायरेक्टर ना, वो डायरेक्टर के अलावा कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, और किसी को भी अटेंड करना है तो चेयरपर्सन का परमिशन लेना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि बोर्ड मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पे आप कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल इंटरनल चीज़ें डिस्कस करते हो, कंपनी के फ्यूचर विजन आउटलुक डिस्कस करते हो. तो इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू पर्सन अदर देन डायरेक्टर अनलेस द पर्सन हैज टेकन परमिशन फ्रॉम द चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन रिक्वेस्टेड द पर्सन टू अटेंड द मीटिंग, विच हैपेंस इन केस ऑफ ऑडिटर. तो ऑडिटर्स को इन्वाइट किया जाता है कि आप प्लीज अटेंड करें मीटिंग, सो दैट डायरेक्टर्स मे आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द सेम. अब यहाँ पे जब डिस्कशन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे चेयरपर्सन वोटिंग का रिजल्ट बताएगा, और वो ये भी बताएगा कि कौन कौन से डायरेक्टर ने डिसेंट किया है. नाउ डिसेंट किया है मतलब यू हैव टू स्पेसिफाई दैट हु आर द डायरेक्टर हु हैव वोटेड इन फेवर, एंड मोर पर्टिकुलरली हु आर द डायरेक्टर वोटेड अगेंस्ट द पर्टिकुलर मैटर, एंड दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑल्सो. क्यों? सो दैट कल की तारीख में अगर मान लो कुछ लिटिगेशन होता है, मान लो कुछ डिस्प्यूट होता है, तो ये एस्टैब्लिश क्लियरली होना चाहिए कि जो भी डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन को कितने लोगों ने येस बोला था और कितने लोगों ने नो बोला था. एंड इसके जो भी मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनाए जाएंगे, एंड मिनट्स डायरेक्टर्स को सर्कुलेट किए जाएंगे कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर, और डायरेक्टर्स उसको कन्फर्म करेंगे कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर. अगर यहाँ पे डायरेक्टर ने 7 डेज का अगर कन्फर्म नहीं किया, याद रखना कंपनी डायरेक्टर को ड्राफ्ट मिनट देगा 15 डेज के अंदर. इफ यू रीड द एंटायर रूल 3, दिस इज जस्ट अ समरी प्रेजेंटेशन, ठीक है, बट इफ यू रीड एंटायर रूल 3, वहां पे कंपनी डायरेक्टर्स को मिनट्स देगा, ड्राफ्ट मिनट देगा 15 डेज के अंदर, और डायरेक्टर उस पर अपना रिप्लाई देगा, अपना कंफर्मेशन देगा 7 डेज के अंदर. अगर कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला, तो क्या माना जाएगा? दैट ही हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर द सेम एंड agreeing the same. And ये जो minutes है इसको minutes book में record कर लिया जाएगा as per section 118. Clear? अब देखो, so this is the concept of rule 3. So what we are starting with is a rule 4. Now rule 4 basically specify those matter जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते. तो ओरिजिनली रूल फॉर बीइंग स्पेसिफाइड कि वो मैटर जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से पास नहीं कर सकते, ऐसे 5 मैटर थे. कौन कौन सा मैटर था? दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अप्रूव करना है, सेकेंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, थर्ड प्रोस्पेक्टस, फोर्थ ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर अकाउंट्स अप्रूवल के लिए, एंड देन मैटर टू मर्जर एमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन. ये सारे मैटर्स के लिए फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर चाहिए, पर्सन वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये मैटर अप्रूव नहीं करता. अच्छा, उसका देयर वाज एन अमेंडमेंट व्हिच सेज दैट कि अगर फिजिकल प्रेजेंस से अगर कोरम अवेलेबल है, तो अगर डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट है, उससे कोरम हो गया है, तो फिर बाकी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट याद रखना, नाउ दिस एंटायर रूल 4 हैज बीन ओमिटेड नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 15th June 2021. मतलब कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, वी रियलाइज कि फिजिकल प्रेजेंस से भी डायरेक्टर्स का आना पॉसिबल नहीं है. इवन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी इन पर्सन प्रेजेंट नहीं हो सकते. तो एंटायर रूल 4 हैज बीन इनिशियली सस्पेंडेड, एंड वी हैव सस्पेंडेड इट फॉर ऑलमोस्ट 15 मंथ्स ऑन अ बिलीव कि पैंडेमिक खत्म हो जाएगा. तो 19th मार्च 2020 से लेके 30th जून 2021 तक पहले इसको सस्पेंड किया गया था रूल 4, बट देन वी रियलाइज कि पैंडमिक एक साल में नहीं खत्म हो रहा है, तो फिर हमने रूल 4 को ओमिट कर दिया. इसका मतलब आज के टाइम पे रूल 4 नहीं है. अब अगर रूल 4 नहीं है, तो इसका मतलब है कि आज के टाइम पे कोई भी मैटर हो उसको डायरेक्टर अटेंड कर सकता है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. क्लियर? नाउ दिस इज योर सेक्शन 173. अब अगर डायरेक्टर्स को नोटिस नहीं दिया गया, सी सेंडिंग नोटिस टू ईच डायरेक्टर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, एंड अगर नहीं दिया गया है नोटिस, तो जो भी कंपनी के ऑफिसर्स हैं उन सब के ऊपर पेनल्टी आएगी. कितनी पेनल्टी आएगी? ऑन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट द पेनल्टी विल बी 25,000. फर्दर क्या दिया है? अब सेक्शन 174 क्या बोलता है? नाउ 174 टॉक्स अबाउट कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, एंड व्हाट इज द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग? तो कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग इज 1/3 टोटल डायरेक्टर और 2 विच एवर इज
हायर। अब ये चीज याद रखना, अगर सेक्शन एट कंपनी है ना, अगर सेक्शन एट कंपनी है तो उसमें कोरम कितना होता है, 25% ऑफ द टोटल डायरेक्टर और 8 विच एवर इज लोअर, लेकिन ये 2 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। फर्दर क्या लिखा है, अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से भी अगर मीटिंग अटेंड करता है तो उसको भी कोरम में कंसिडर किया जाता है। एंड अगर मान लो कंपनी में किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, उसकी वजह से नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैज फॉल बिलो द कोरम रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर वो क्या करेंगे, या तो वो नए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे या तो वो जनरल मीटिंग की नोटिस देंगे, एंड वहाँ पे मेंबर्स नए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, और जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी अदर मैटर ट्रांजैक्ट नहीं होगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर एट एनी टाइम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर दोज बेसिकली जिनका उस पर्टिकुलर मैटर में इंटरेस्ट है, कंसर्न है, तो अगर नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज मोर देन और इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, एंड नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, देन द रिजोल्यूशन किसके कंसेंट पास होगा, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, प्रोवाइडेड नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो द नंबर ऑफ डायरेक्टर हुआ नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट द मीटिंग बींग नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोरम में कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम, विल बी कंसिडर, विल पार्ट मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग आफ्टर द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बींग गिवेन। अब यहाँ पे अगर मान लो मीटिंग नहीं हो पाता, बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाता है फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम, मतलब कोरम फुलफिल नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगा, कभी के लिए एडजर्न हो जाएगा, सेम डे सेम टाइम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, प्रोवाइडेड वो डे क्या नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे, और अगर वो नेशनल हॉलीडे है देन ऑन द नेक्स्ट डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। फर्दर क्या लिखा है कि आर्टिकल्स में अगर AO चाहे तो AO में हायर कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरम क्या है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, ये है सेक्शन 174 के हिसाब से, और अगर AO में उससे हायर नंबर दिया है तो फिर अपने को हायर नंबर को कंप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है, एज वी डिस्कस कि कोरम जो है और इट शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, मतलब कोरम सिर्फ स्टार्ट ऑफ द मीटिंग में नहीं रहेगा, कोरम नीड टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, और अगर कोरम मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे एडजर्न मीटिंग में अगर मान लो कोरम नहीं आता तो मीटिंग स्टैंड्स टू बी कैंसिल। क्लियर, दिस इज सेक्शन 174। अब यहाँ पे 175 क्या बोलता है ना, 175 बेसिकली टॉक्स अबाउट पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर मैटर है जिसके लिए मीटिंग डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है मीटिंग के लिए, बट मैटर इज ऑफ अर्जेंट नीड, तो वहाँ पे रिजोल्यूशन कैन बी पास थ्रू सर्कुलेशन। किस तरीके से पास किया जाएगा, तो वहाँ पे जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन वो सारे डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे, एंड डायरेक्टर्स को एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, कितने दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा, मिनिमम 7, आपको 7 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, एंड 7 डेज में डायरेक्टर्स अपना रिप्लाई देंगे, एंड बेस्ड ऑन द रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर रिजोल्यूशन को डिक्लेयर किया जाएगा कि वो पास हुआ या नहीं। तो यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इसमें जो डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट हैं, सी आपने ड्राफ्ट रिजोल्यूशन सबको दे दिया, नाउ द डायरेक्टर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट वो उसमें वोट कर सकता है, लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर मिनिमम 1/3 और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसमें एक चीज याद रखना कि जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है वो सारे डायरेक्टर्स को देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, लेकिन वोटिंग जो है वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं करेगा, वो सिर्फ वो वोटिंग करेगा दोज हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन अगर 1/3 और टोटल डायरेक्टर जो है, इफ दे से दैट ये मैटर सर्कुलेशन से पास नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिसाइडेड एट द मीटिंग, देन द मैटर विल नॉट बी पास थ्रू सर्कुलेशन, इट शैल बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। अब जब ये 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स निकालते हैं तो उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी काउंट किया जाता है, एंड यहाँ पे इफ द रिजोल्यूशन इज पास थ्रू सर्कुलेशन तो उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। डन। अब देखिए, अब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या होती है, नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज द कंपनी सेक्रेटरी ड्यूटी बिफोर द मीटिंग,
एट द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग. तो कंपनी सेक्रेटरी को इंश्योर करना पड़ेगा कि 7 डेज नोटिस दिया गया है फॉर द गुड मीटिंग. एंड आपको नोटिस के संग क्या देना पड़ेगा, एजेंडा. याद रखना है एजेंडा की रिक्वायरमेंट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है. नो ये कहाँ से आता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से. नो यहाँ पे वट कंपनी सेक्रेटरी हैव टू डू दैट दे नीड टू रिक्वेस्ट ऑल द डायरेक्टर टू अटेंड द मीटिंग एंड वट एवर द नेसेसरी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू बी डन दैट हैव टू बी मेड. याद रखना अगेन डायरेक्टर्स कैन अटेंड द मीटिंग इन पर्सन और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. और अगर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सो कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन हैव टू एंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बींग मेड. क्या लिखा है नाउ यहाँ पे, नाउ वट इज रिक्वायर्ड दैट जो भी मीटिंग के नेसेसरी अरेंजमेंट है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी द पर्सन हु इज गोइंग टू कन्वे द एंटायर मीटिंग. तो जो भी मीटिंग के नेसेसरी अरेंजमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. एंड एट द मीटिंग वट इज रिक्वायर्ड दैट, नाउ यहाँ पे मीटिंग में कोरम हैव टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. सो कंपनी सेक्रेटरी हैव टू एंश्योर, चेयरपर्सन हैव टू एंश्योर दैट कोरम इज प्रेजेंट नॉट ओनली द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग बट थ्रू आउट द मीटिंग. अब अगर कंपनी में चेयरपर्सन है, परमानेंट चेयरपर्सन है, सो दैट पर्सन विल बिकम द चेयरपर्सन. और अगर कंपनी में परमानेंट चेयरपर्सन नहीं है तो सबसे पहला काम किया जाएगा, मीटिंग के लिए चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा एंड देन उसके बाद ही कोई और मैटर ट्रांजैक्ट किया जाएगा. नाउ द डायरेक्टर्स में ऑल्सो डिसाइड द टाइम एंड डेट फॉर होल्डिंग द नेक्स्ट मीटिंग. अब आफ्टर द मीटिंग वट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, दैट दे हैव टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट मिनट्स. एंड ये ड्राफ्ट मिनट्स किसको दिया जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, चेयरपर्सन को दिया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया जाएगा. तो पहले कंपनी के डायरेक्टर्स एंड चेयरपर्सन को देते हैं एंड देन इट टू बी गिवन टू द अदर डायरेक्टर्स. एक बार जब मिनट्स, ड्राफ्ट मिनट्स बन गए, अब याद रखना जब ड्राफ्ट मिनट बनते हैं सो इट नीड टू बी साइन. हु विल साइन द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ईदर बाय द चेयरपर्सन ऑफ द सेम मीटिंग और बाय द चेयरपर्सन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग. एंड वट इज रिक्वायर्ड दैट इसको मिनट्स अपने को प्रिपेयर करना है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर. एंड देन वंस इट हैज बीन साइन इट नीड टू बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक. क्लियर? सो दीज आर द बेसिक ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा तो 5 मार्क्स से ऊपर का नहीं पूछा जाएगा. सो इफ यू आर कवरिंग दिस पॉइंट इट्स मोर देन सफिशियंट. क्लियर? विद दिस योर बोर्ड मीटिंग पार्ट इज ओवर एंड नाउ वील सी आर नोट्स ऑल्सो. सो नाउ दिस समरी नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू एंड ये हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया जाएगा. नाउ एक बार बिफोर वी कंक्लूड द बोर्ड मीटिंग एंड मूव टू द जनरल मीटिंग, एक बार अपने नोट्स भी देख लेते हैं. ना यहाँ पे दो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब्सिक्वेंट साल में 4 मीटिंग, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग 120 डेज, फिर OPC. देन अच्छा एक चीज़ याद रखना, ना यहाँ पे अगर वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए वन पर्सन कंपनी में, वन. तो अगर वन डायरेक्टर ये तो फिर कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होगा. तो ना तो कोरम का रिक्वायरमेंट देखना है ना नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग का रिक्वायरमेंट देखना है. क्लियर? नाउ अब IFSC कंपनी में वेरी इंपॉर्टेंट दैट IFSC कंपनी में आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होता है, 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एंड इसके बाद अपने को कैलेंडर ईयर में, हाफ ईयर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करना पड़ेगा. क्लियर? नाउ वट इज रिक्वायर्ड, जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग होता है, याद रखना एडजर्न बोर्ड मीटिंग इज नॉट अ फ्रेश मीटिंग, तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. तो अपने को जो गैप काउंट करना होता है वो ओरिजिनल मीटिंग से काउंट करना है, न कि एडजर्न से. देन वट इज रिक्वायर्ड दैट, अच्छा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से अपने को एजेंडा भी 7 डेज पहले भेजना है अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब्स अ लॉन्गर पीरियड. क्लियर? अब नाउ यहाँ पे वट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने को एजेंडा पेपर सारे डायरेक्टर्स को देना है इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर. तो अगर मान लो किसी डायरेक्टर के बदले में अगर ओरिजिनल डायरेक्टर भी है एंड देन देयर इज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बीइंग अपॉइंटेड, सो एजेंडा नीड टू बी गिवन, नोटिस नीड टू बी गिवन टू बोथ ऑफ देम. अब यहाँ पे वट इज रिक्वायर्ड दैट, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्टर को नोटिस कैसे दिया जाएगा, दैट कंपनी विल डिसाइड. क्लियर? Now this is your entire rule 3 which we have already discussed, that which talks about ki ek director video conferencing se meeting kis tarike se attend kar sakta hai. And
अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसको भी कोरम में कंसिडर किया जाएगा. नाउ एज यू डिस्कस कि मिनट्स कितने दिन के अंदर बनाने हैं, 15 डेज के अंदर ड्राफ्ट मिनट्स डायरेक्टर्स को देना है और डायरेक्टर उसके ऊपर अपना रिप्लाई कितने दिन में देंगे, 7 डेज में. देन नाउ देन देयर इज अ एंटायर रूल 4 विच बेसिकली सेज दैट कौन कौन से मैटर है जो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिस अटेंड नहीं कर सकते, बट नाउ रूल 4 हैज बीन ओमिटेड. कब से ओमिट हो गया है? 15 जून 2021. अब कोरम फॉर द मीटिंग वी ऑलरेडी कवर दैट क्या कोरम है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर. सेक्शन 8 कंपनी में कोरम क्या है, 25% और 8 विच एवर इज लोअर, लेकिन ये भी 2 से कम नहीं होना चाहिए. नाउ अच्छा, आईएफएससी कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बीइंग गिवन. फर्दर क्या दिया है, नाउ ऑल दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, नाउ दिस इज अगेन सेक्शन 175. नाउ इसमें याद रखना कि जो हम लोग को ड्राफ्ट नोटिस भेजना है वो सारे डायरेक्टर्स को देना है इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर, लेकिन उस मैटर पे वोट कौन करेगा, वोट करेगा ओनली दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मतलब एंड उनके मेजॉरिटी वोट के हिसाब से रिजोल्यूशन पास माना जाएगा. लेकिन अगर 1/3 टोटल डायरेक्टर बोलते हैं दैट द मैटर शुड नॉट बी पास थ्रू सर्कुलेशन, इट नीड टू बी पास एट मीटिंग, तो फिर उस मैटर को सर्कुलेशन से पास नहीं किया जाएगा, इट विल बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ओनली. और जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा उसको सब्सिक्वेंट जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसके मिनट्स में रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर? एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर 176 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसके अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट है, अब अगर डिफेक्ट जब तक डिस्कवर नहीं होता है तब तक उसने जो भी डिसीजन लिया वो कंपनी के लिए वैलिड एंड बाइंडिंग होगा, और एक बार अगर डिफेक्ट डिस्कवर्ड हो गया उसके बाद अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो कंपनी के लिए बाइंडिंग नहीं है. क्लियर? सो विद दिस योर बोर्ड मीटिंग आर समरी नोट्स एज वेल एज आर मेन नोट्स बोथ हैज बीन कवर्ड. क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग विद जनरल मीटिंग नाउ. एंड देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ जनरल मीटिंग में नाउ व्हेन वी यूज द टर्म मीटिंग, नाउ मीटिंग मतलब क्या है कि जहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर गैदरिंग टुगेदर फॉर डूइंग अ लॉफुल बिजनेस, दैट इज नथिंग बट द मीटिंग. अब यहाँ पे अगर मेरे को मीटिंग करना है तो एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए बिकॉज 1 पर्सन कैन नॉट हैव अ मीटिंग विद हिमसेल्फ. लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस इवन 1 पर्सन विल बी काउंटेड एज अ कोरम फॉर द मीटिंग. एंड ये कब होता है, जब अगर NCLT अगर आपको मीटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देता है एंड इफ NCLT वॉन्ट द मीटिंग टू बी कंडक्टेड सो दे विल गिव यू ऑल द डायरेक्शन कि मीटिंग कैसे करना है, कब करना है, एंड वहाँ पे इवन 1 पर्सन कैन बी कंसिडर टू बी द कोरम. अब यहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 नाउ विच इज नथिंग बट द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर जनरल मीटिंग. नाउ ये हर एक कंपनी को कंप्लाई करना है एक्सेप्ट OPC. अच्छा OPC को कंप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि OPC में कितने मेंबर हैं, एक ही है, तो वहाँ पे उनको जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पे हम लोग जब बोलते हैं कि एक वैलिड मीटिंग के लिए देखो 3 वर्ड यूज होते हैं, प्रॉपरली कन्वेड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड. तो हम लोग जब प्रॉपरली कन्वेड की बात करते हैं तो आपका जब भी आप मीटिंग करोगे तो उस मीटिंग के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, तो नोटिस कौन भेजेगा, सो नोटिस नीड टू बी सेंड बाय पर्सन हैविंग प्रॉपर अथॉरिटी. एंड what is required that and the notice have to be given to all the persons. If we talk about board meeting, then notice need to be given to all the director. If we talk about general meeting, notice need to be given to all the members. Then उसके बाद meeting आपको properly constitute करना है, मतलब proper quorum होना चाहिए and meeting में chairperson होना चाहिए. Without chairperson, a meeting cannot be conducted. Further क्या दिया है that यहाँ पे now कौन कौन से business matter हम लोग translate करेंगे, that is also very important. And if you remember and what we are going to discuss in this revision also, that general meeting mein jo business transact hote hain basically 2 tarike ke hote hain. There is something called ordinary business and there is something called special business. Clear? And jo bhi business transact hoga, jo bhi resolution pass hoga, uska proper minutes record kiya jayega. Now ye 3 term jo hai na, that is properly conveyed, constituted and conducted.
क्लियर? अब देखो, सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ इज टू बी कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग. कौन सा सेक्शन है एजीएम का? सेक्शन 96. अब 96 क्या बोलता है? दैट एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को एजीएम करना है एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी. तो ओपीसी को एजीएम करने की जरूरत नहीं है. अब एजीएम का बेसिक प्रोविजन क्या बोलता है? दैट एजीएम कितनी बार करना पड़ेगा साल में? वंस इन अ ईयर. अच्छा, फर्स्ट एजीएम कितने दिन के होना चाहिए? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. एंड अच्छा, अगर आपने 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आपने एजीएम कर लिया है, तो जिस ईयर में आप इनकॉर्पोरेट हुए, अगर आपने उसमें एजीएम नहीं भी किया तो भी चलेगा. सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा? 6 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एंड दो एजीएम के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 months. यहाँ पे वन पर्सन कंपनी को एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे ना एलओडीआर में रिक्वायरमेंट क्या बोलता है कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनका 31 मार्च के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाएगा, उनको एजीएम कब तक होल्ड करना है? 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपनी लाइक रिलायंस, कंपनी लाइक ओएनजीसी, इन सबकी एजीएम कितने दिन में हो जानी चाहिए? 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. देयर फाइनेंशियल इज गेटिंग एंड ऑन मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उनको एजीएम करना पड़ेगा अगस्त तक, न कि सितंबर तक. क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट टॉप 100 लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वन वे लाइव वेबकास्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज वन वे लाइव वेबकास्ट? कि जो भी प्रोसीडिंग होगा उसमें जो भी चेयरपर्सन बोलेगा वो सब कुछ वो लोग सुन सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट कम्युनिकेट एनीथिंग. क्लियर? तो वन वे लाइव वेबकास्ट देना पड़ेगा ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. और हम लोग जब यहाँ पे टॉप 100 कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. अब यहाँ पे फाइनेंशियल किसको बोलते हैं? ना, ये एक पीरियड है जो कि एंड कब हो रहा है? 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर. और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है 1 जनवरी और आफ्टरवर्ड, तो अब पहला फाइनेंशियल कब होगा? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. अगर मान लो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी अगर इंडिया के बाहर है एंड दे नीड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, देन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट, मतलब अगर मेरे को अकाउंट के कंसोलिडेशन के लिए इंडियन कंपनी भी डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर कर सकता है, उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. एन एप्लीकेशन हैव टू बी गिवन टू रीजनल डायरेक्टर बाय फाइलिंग फॉर्म RD-1. अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा एंड इफ दे फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर, देन दे कैन अलाउ द कंपनी टू हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर इवन इफ दैट इज नॉट अ पीरियड इन इंडिया. तो यहाँ पे क्या लिखा है? वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर. तो अगर वो पीरियड इंडिया में अगर ईयर नहीं भी है तो भी चलेगा. मतलब अगर वो आपको फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, कंपनी कैन हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर. अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये जो पार है, ये पार आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, बट पहले बिफोर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये पार किसके पास था? NCLT के पास. तो रूल क्या बोला गया कि NCLT के पास अगर कोई पहले एप्लीकेशन पेंडिंग है, देन वो एप्लीकेशन कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? NCLT ओनली. एंड लास्ट क्या लिखा है कि हर एक कंपनी को दोज वर इन एग्जिस्टेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2014. ये सेक्शन कब आया था? 1 अप्रैल 2014 को. तो 1 अप्रैल 2014 को जो भी कंपनी है नाउ, एंड अगर उनका डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर था, तो उनको अपने फाइनेंशियल को अलाइन करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन. कितने दिन के अंदर? विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014. मतलब उनको 2 ईयर्स के अंदर, 1 अप्रैल 2014 के 2 ईयर्स के अंदर उनको अपने फाइनेंशियल को अलाइन करना पड़ेगा. अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नेशनल हॉलीडे, याद रखना, जनरल मीटिंग, एजीएम जो आप नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते. तो नेशनल हॉलीडे होता क्या है? तो नेशनल हॉलीडे सेक्रेटरी सेंट 2 के हिसाब से नेशनल हॉलीडे कौन कौन सा है? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और डे को भी अगर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहे तो कर सकता है. अब यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड कि अगर मान लो कंपनी ने एजीएम जो टाइम पीरियड है उसमें नहीं किया, तो क्या यहाँ पे आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल सकता है? आंसर इज यस. तो ROC आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकता है,
आरसी में प्रोवाइड. अच्छा कितने दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है? मैक्सिमम 3 मंथ्स का. लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये फर्स्ट एजीएम के लिए अवेलेबल नहीं है. अब यहाँ पे अपने को किस प्लेस पे किस टाइम पे एजीएम करना है? तो एजीएम जो है ना, इसको कब कंडक्ट किया जाएगा? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होना चाहिए, 9 AM to 6 PM एंड नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे. नेशनल हॉलीडे समझा 3 दिन, जस्ट टू बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. तो आप इन 3 दिन, मतलब मैं क्या एजीएम संडे को कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे. फर्दर क्या लिखा है? एंड ये कहाँ किया जाएगा? या तो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में करेंगे और सच अदर प्लेस इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका एजीएम इंडिया में कहीं भी हो सकता है, प्रोवाइडेड उन्होंने रिटन कंसेंट ले लिया है फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन एडवांस. मतलब उन्होंने रिटन कंसेंट अपने सारे मेंबर्स से ले लिया है. एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ रिटन कंसेंट इज ऑब्टेन. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी क्लास ऑफ कंपनी को इन कंडीशन से एग्जम्पशन दे सकता है, विच मीन्स दैट इफ यू सी द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन आया था कि मान लो एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर इंडिया के बाहर के हैं, दे वॉन्ट टू कंडक्ट द एजीएम इन पैरिस, तो क्या वो एजीएम कर सकते हैं? आप एजीएम प्राइमा फेसी इंडिया में ही करना पड़ेगा, बट अगर आप इंडिया के बाहर करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी में एजीएम आप कहाँ पे कर सकते हो? तो रजिस्टर ऑफिस में कर सकते हैं, या तो विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, और सच अदर प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूव करता है. फर्दर सेक्शन 8 कंपनी में जो डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम है वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा बिफोर एंड एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग. तो जो मेंबर्स ने डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से बोर्ड डिसाइड करेगा कि एजीएम कहाँ पे कंडक्ट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी ने एजीएम कंडक्ट नहीं किया तो 2 सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं. एक तो सेक्शन 99, जिसमें अगर एजीएम टाइम पे कंडक्ट नहीं हुआ तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी. कितनी पेनल्टी आएगी? 1 लाख रुपी प्लस 5,000 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट. इसके अलावा अच्छा यहाँ पे सेक्शन 99 में क्या बोला है कि आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा. अच्छा पेनल्टी अगर आ गया तो अगर मान लो एजीएम आपने ड्यू डेट पे नहीं किया, ड्यू डेट के बाद किया, तो क्या जो भी डिसीजन लिया गया वो वॉइड हो जाएगा? नहीं, डिसीजन वैलिड रहेगा, सिर्फ कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी आएगा. फर्दर क्या लिखा है? सेक्शन 97 क्या बोलता है कि अगर कंपनी ने एजीएम होल्ड करने में डिफॉल्ट किया तो ट्रिब्यूनल में, मतलब यहाँ पे एनसीएलटी में कम इन टू पिक्चर, तो ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर. नो यहाँ पे तो अब किसी मेंबर के एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल भी कंपनी को एजीएम करने के लिए बोल सकता है एंड वहाँ पे दे कैन गिव यू ऑल द नेसेसरी डायरेक्शन. अब ये जो है यहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल आपको डायरेक्शन देगा सो वहाँ पे अगर एक मेंबर भी प्रेजेंट है उसको भी ट्रिब्यूनल एक वैलिड कोरम कंसिडर कर सकता है. क्लियर? अब देखो, सो दिस आर द प्रोविजन ऑफ एजीएम. नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 100, दैट इज ईजीएम. अब ईजीएम क्या है कि अगर जनरल मीटिंग 2 AGM के बीच में होती है दैट इज टू बी कॉल्ड एज ईजीएम, एंड जो भी बिजनेस हम लोग ईजीएम में ट्रांजेक्ट करते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस. एंड हु कैन कॉल ईजीएम? वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन ईजीएम या तो बोर्ड बुला सकता है, मान लो कोई पर्टिकुलर मैटर है जिसमें आपको मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, जिसके लिए आप नेक्स्ट ईयर तक या नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, देन बोर्ड में कॉल द ईजीएम. इसके अलावा नाउ बाय द बोर्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिक्यूजनिस्ट, मतलब अगर मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं एंड रिक्यूजनिस्ट के रिक्वेस्ट पे बोर्ड ईजीएम बुला सकता है, या तो ईजीएम रिक्यूजनिस्ट खुद ही कर लेगा जिसने रिक्वेस्ट किया. अच्छा रिक्यूजनिस्ट कब ईजीएम खुद करेगा? जब कंपनी ने ईजीएम नहीं किया, देन रिक्यूजनिस्ट कैन होल्ड द ईजीएम बाय देमसेल्फ. इसके अलावा बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी. अब देखो तो यहाँ पे एज वी हैव डिस्कस दैट जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम इज टू बी कॉल्ड एज ईजीएम, बोर्ड बुलाएगा ऑन देयर ओन. कब बुलाएगा? जब मैटर अर्जेंट है जिसके लिए मेंबर्स का कंसेंट चाहिए एंड वी कैन नॉट वेट टिल नेक्स्ट एजीएम. सेकेंड, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन. अच्छा यहाँ पे अगर बोर्ड ऑन रिक्विजिशन है तो रिक्विजिशन कौन करेगा? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो मेंबर जिसके पास 10% ऑफ शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है देन द रिक्विजिशन नीड टू बी मेड बाय सच मेंबर जिसके पास 10% वोटिंग राइट है.
और ऐसे मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि कंडक्ट द ईजीएम, और उनके रिक्वेस्ट पे बोर्ड मे टेक द एक्शन कितने दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर, एंड मीटिंग को बुलाएगा। एंड ये मीटिंग कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। अब यहाँ पे अगर मेंबर कंपनी ने ईजीएम कंडक्ट नहीं किया तो जो रिक्विजनिस्ट है, जिन्होंने मीटिंग बुला जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, वो लोग खुद मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो इफ मीटिंग इज नॉट हेल्ड विद इन 45 डेज तो रिक्विजनिस्ट मे कंडक्ट जनरल मीटिंग कितने दिन के अंदर, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट। और यहाँ पे इस मीटिंग को होल्ड करने में जो भी एक्सपेंसेस इनकर होगा वो कंपनी रिइंबर्स करेगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर इस मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, सी अगर मान लो रिक्विजनिस्ट ने मीटिंग बुलाई और कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या दिखाता है कि मेंबर्स मीटिंग में आने चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। तो अगर मेंबर मीटिंग में आना ही नहीं चाहते हैं तो वहां पे मीटिंग स्टैंड्स टू बी कैंसिल। याद रखना मीटिंग एडजर्न नहीं होगा। अगर रिक्विजनिस्ट ने मीटिंग बुलाया है और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न नहीं होगा, मीटिंग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ईजीएम जो है नो इफ इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय एनसीएलटी, तो ये कब एनसीएलटी पिक्चर में आएगा कि अगर कंपनी ने ईजीएम कंडक्ट नहीं किया देन एनसीएलटी में इंटरवेन। अब ये एनसीएलटी सीओ मोटो खुद भी कर सकता है या तो डायरेक्टर और मेंबर के रिक्वेस्ट पे भी ईजीएम बुला सकता है, एंड इसमें इवन वन मेंबर शैल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कोरम। फर्दर क्या लिखा है, अगर रिक्विजनिस्ट मीटिंग बुला रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर रिक्विजनिस्ट मीटिंग बुला रहा है तो वो मीटिंग उसी तरीके से बुलाएगा जिस तरीके से कंपनी मीटिंग कंडक्ट करता, तो सारे मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा। अच्छा मीटिंग कहाँ पे किया जाएगा, रजिस्टर ऑफिस में या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। किस टाइम पे मीटिंग होगा, याद रखना अगर रिक्विजनिस्ट मीटिंग बुलाएगा तो 9 AM to 6 PM रिक्विजनिस्ट बुला रहा है, ठीक है। कौन से दिन पे होगा, ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। इसके अलावा अगर कंपनी ईजीएम बुला रहा है तो कभी भी कर सकता है, किसी भी टाइम पे कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईजीएम ऑफ कंपनी ऑफ विच इज होली ऑन सब्सिडरी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है जिसकी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, तो वो जो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है उसके सारे शेयर होल्डर्स कहाँ पे हैं, इंडिया के बाहर। सी इट्स अ होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी ना, तो इफ द इंडियन कंपनी इज अ होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो उस इंडियन कंपनी जिसके सारे शेयर होल्डर इंडिया के बाहर हैं उसका ईजीएम आप इंडिया के बाहर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सारे शेयर होल्डर कहाँ पे हैं, इंडिया के बाहर, तो यू कैन कंडक्ट द ईजीएम आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे रिक्विजनिस्ट जब मीटिंग बुलाएगा तो सारे शेयर होल्डर को नोटिस देगा, वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। फर्दर क्या लिखा है, अब सो दिस इज योर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एजीएम एंड ईजीएम, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 101 ऑनवर्ड्स विच टॉक्स अबाउट द प्रोविजन पर्टेनिंग एप्लीकेबल ऑन बोथ एजीएम एज वेल एज ईजीएम। सो व्हाट इज अ, सो आई बिलीव एजीएम ईजीएम पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। Now section 101. Now 101 basically क्या बात कर रहे हैं, that is it talks about notice of the meeting. अच्छा यहाँ पे अपने को notice कितने दिन का देना है, 21. So notice कितने दिन का देना है, 21 clear days का notice होना चाहिए। अच्छा हम लोग जब clear days की बात करते हैं तो जिस दिन आपने notice भेजा है और जिस दिन meeting है उन दोनों को consider नहीं करते, लेकिन अगर ये section 8 company होगा तो notice कितने दिन का देना है, 14 clear days का। एंड अगर आपने नोटिस पोस्ट से भेजा है तो इस 21 डेज में 2 डेज और ऐड कर देने का, क्लियर। अब तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो नोटिस कैन बी सेंड इन फिजिकल मैनर और इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर। अच्छा हम लोग फिजिकल मैनर से भेजते हैं तो हम लोग स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज सकते हैं। अब अगर हम लोग नोटिस अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस देने का मतलब क्या हुआ कि आप ईमेल के थ्रू नोटिस दे रहे हो, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो एक सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू होना चाहिए। नाउ ये नोटिस किसको दिया जाएगा, सो नोटिस नीड टू बी गिवन टू दोज पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। फर्दर क्या दिया है कि नोटिस में आपको ना ईमेल पे लिखना पड़ेगा, कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, नेचर ऑफ टाइप ऑफ मीटिंग बताना पड़ेगा कि एजीएम है, ईजीएम है, किस किस प्लेस पे है, कौन से डेट पे, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा ईमेल के। नाउ
आपको ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, फर्दर क्या लिखा है कि अगर नोटिस में अगर नोटिस आपको अटैचमेंट के थ्रू भेजा गया है तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब जो कि नॉन एडिटेबल इन नेचर है। एंड नोटिस में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फिजिकल नोटिस है और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपने नोटिस भेजा है, दोनों नोटिस सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पे नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर मान लो आप एज अ कंपनी विल सेंड नोटिस टू ऑल द मेंबर्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो अगर कंपनी में डायरेक्ट कंपनी में मेंबर्स हैं तो उनको अपना ईयरली बेसिस पर अपना ईमेल आईडी अपडेट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड जो भी ईमेल आईडी वो अपडेट करेंगे उस पर नोटिस दिया जाएगा। अच्छा, मान लो अगर किसी ने ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया तो जो कंपनी के पास ईमेल आईडी उस पर भेजा जाएगा, और अगर नहीं है ईमेल ही नहीं है तो फिर फिजिकल नोटिस दिया जाएगा। फर्दर क्या लिखा है ना यहाँ पे, सो कंपनी को ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि कितने को ईमेल भेजा गया है। ना इसके अलावा नोटिस को कंपनी के वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा। एंड डेट ऑफ डिस्पैच जो है व्हेन द नोटिस इज सेंड एंड नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नोटिस हम लोग जब भेजेंगे, देखो 21 क्लियर डेज में जब आपने नोटिस भेजा और जब मीटिंग है, उन दोनों डेज को कंसिडर नहीं करते। अब अगर मैं नोटिस ईमेल के थ्रू भेज रहा हूँ या नोटिस में हैंड डिलीवरी दे रहा हूँ, तो जिस दिन मैंने आपको नोटिस दिया उस दिन आपको मिल जाएगा। अब तो यहाँ पे दैट इज, लेकिन अगर हमने नोटिस पोस्ट से भेजा है तो 48 आवर्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे को जनरल मीटिंग करना हो, मेरे पास 21 क्लियर डेज नहीं है नोटिस देने का, तो कंपनी कैन ऑलवेज कंडक्ट अ जनरल मीटिंग बाय शॉर्टर नोटिस ऑल्सो। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट शॉर्टर नोटिस, इसका मतलब अगर एजीएम है तो उसके लिए शॉर्टर नोटिस अगर जनरल मीटिंग करना है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका कंसेंट लेना पड़ेगा? 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल टू वोट, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। और अगर ईजीएम है तो वहां पे आपने वो कंसेंट किसका लेना पड़ेगा? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो अपने को कंसेंट किसका लेना है? तो यहाँ पे अपने को रिटर्न कंसेंट लेना है। किसका रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा अपने को? मेजॉरिटी इन नंबर हैविंग मिनिमम 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल विद वोटिंग राइट। क्लियर? देखो इसमें दो रिक्वायरमेंट है। देखो मेजॉरिटी इन नंबर है तो जो मेंबर्स हैं अपने को उसका मेजॉरिटी इन नंबर का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, जिसके पास कम से कम कितना वोटिंग राइट होना चाहिए? 95%। क्लियर? और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो अपने को रिटर्न कंसेंट किसका लेना पड़ेगा? उन मेंबर्स का जिनके पास मिनिमम 95% वोटिंग राइट है। याद रखना कि अगर किसी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन फ्यू रिजोल्यूशन एंड नॉट ऑन ऑल रिजोल्यूशन, ऐसा कब होगा? मान लो आप ऐसे मेंबर हो, ठीक है, कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप वोट नहीं कर सकते, जिसमें इंटरेस्टेड नहीं उसमें आप वोट कर सकते हैं। तो अगर इफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन सम रिजोल्यूशन To be moved at the meeting and not on other resolution, तो उस member को हम लोग किसमें consider करेंगे? Why do the calculation? Only for those matter जिसमें वो vote कर सकता है, और जिसमें वो vote नहीं कर सकता उसमें consider नहीं करेंगे। Clear? अब देखो, अब एक चीज़ रखना कि place of meeting section 96 में क्या बोला था कि notice में clearly लिखा होना चाहिए कि meeting कब होगा, किस जगह पे होगा। एंड एजीएम हम लोग कहाँ कर सकते हैं? रजिस्टर ऑफिस में, या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। अगर रिक्विजनिस्ट मीटिंग बुला रहा है तो मीटिंग कहाँ पे किया जाएगा? रजिस्टर ऑफिस में, या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। ऑन विच डे? ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। अब एजीएम अनलिस्टेड कंपनी का आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। एंड गवर्नमेंट कंपनी में हम लोग एजीएम कहाँ कर सकते हैं? रजिस्टर ऑफिस में, या तो विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, और सच प्लेस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अब देखो डे ऑफ मीटिंग में क्या लिखा है कि आपको डे एंड डेट ऑफ द मीटिंग नोटिस में क्लियरली बताना पड़ेगा। एजीएम में मीटिंग कौन से दिन पे नहीं कर सकते? नेशनल हॉलीडे पे। एंड ईजीएम में मीटिंग किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर मीटिंग रिक्विजनिस्ट ने बुलाया है तो आप उसको नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते। तो अगर रिक्विजनिस्ट ने मीटिंग बुलाया, मतलब हम लोग कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं? ईजीएम की। अब यहाँ पे
टाइम ऑफ मीटिंग में क्या बोला है कि आपको नोटिस में एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा कि मीटिंग किस टाइम पे होगा। अच्छा, एजीएम को करने का टाइम क्या है? बिजनेस आवर से फ्रॉम 9 AM टू 6 PM ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। अब सो विच मीन्स दैट एजीएम कभी कंडक्ट किया जाएगा 9 AM टू 6 PM के बीच में, लेकिन ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन ईजीएम के कंटेक्स्ट में नहीं है। क्लियर? अब हम लोग नोटिस किसको देने वाले हैं? नाउ नोटिस नीड टू बी गिवेन, जो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। फर्स्ट, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। थर्ड, जो एसाइनी है इंसॉल्वेंट मेंबर के, उनको नोटिस दिया जाएगा। नाउ इसके अलावा कंपनी के ऑडिटर को नोटिस दिया जाएगा एंड सारे डायरेक्टर्स को नोटिस दिया जाएगा। अब अगर सो दिस फाइव आर द पर्सन्स जिनको जनरल मीटिंग की नोटिस दिया जाता है। नाउ ये समझा? अब यहां पे अगर किसी मेंबर को नोटिस देना रह गया, एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है, किसी मेंबर को नोटिस नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये एक्सीडेंटल ओमिशन होना चाहिए। अगर पर्पसफुल ओमिशन है तो मीटिंग विल बी इनवैलिड। डन। अब देखो, अब सेक्शन 102 क्या बोलता है। नाउ सेक्शन 102 में सबसे पहले तो ये आता है कि कौन कौन से बिजनेस मैटर जनरल मीटिंग में ट्रांजेक्ट होते हैं। तो जनरल मीटिंग में दो तरह के बिजनेस मैटर ट्रांजेक्ट होते हैं, एक ऑर्डनरी बिजनेस, दूसरा स्पेशल बिजनेस। अब ऑर्डनरी बिजनेस क्या है? तो ये वो बिजनेस है जो सिर्फ एजीएम में कंडक्ट किया जाएगा। कौन कौन से बिजनेस को इसमें इंक्लूड किया गया है? पहला, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट। सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। थर्ड, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। एंड फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये चार बिजनेस को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। इन चार बिजनेस के अलावा जितने भी बिजनेस होते हैं, दे ऑल आर टू बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कंपनी को कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना है। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कंपनी को कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस होता है, दे ऑल आर टू बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेस है ऑर्डिनरी के अलावा। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से हैं? एडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। दे आर टू बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा जो भी बिजनेस होगा वो क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। अब अगर स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल बिजनेस आप एजीएम और ईजीएम दोनों जगह कर सकते हो। फर्दर क्या दिया है कि स्पेशल बिजनेस के लिए कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड इसके लिए स्पेशल बिजनेस के लिए कंपनी को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ सकता है, स्पेशल भी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अगर मान लो कंपनी एमडी अपॉइंट करना चाहता है, कंपनी बायबैक करना चाहता है, कंपनी बोरोइंग करना चाहता है, कंपनी मॉर्गेज करना चाहता है प्रॉपर्टी को, अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, कंपनी कुछ भी करना चाहता है, ये सब क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। एंड इफ इट इज स्पेशल बिजनेस तो वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस कंपनी नीड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अच्छा, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वो हर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मेंबर के लिए जानना जरूरी है फॉर टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। अच्छा, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये भी बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर मैटर में क्या किसी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी या उनके रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट है क्या। अब सो एज ही सेड दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल कंटेन ऑल सच इन्फॉर्मेशन जो मेंबर के लिए जानना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस कंपनी जनरल मीटिंग में कर रहा है जिसमें कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी जो हैं, नाउ इफ दे हैव टू डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट। नाउ यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट जो है वो 2% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट 2% से कम है तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंटरेस्ट कब माना जाएगा? वेन इट विल बी कंसिडर दैट यू हैव अ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर मैटर वेन यू हैव अ शेयर होल्डिंग। कंपनी ए इज एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी बी एंड यू आर अ डायरेक्टर इन कंपनी ए, यू आर अ के एम पी इन कंपनी ए, एंड इफ यू हैव शेयर होल्डिंग इन कंपनी बी, कितनी शेयर होल्डिंग है? 2% और मोर है, तो फिर आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है?
कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस है जिसमें किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया गया है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर मेंबर्स उस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो कब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और अगर नॉन डिस्क्लोजर की वजह से या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर की वजह से कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, KMP ने कोई अनड्यू बेनिफिट कमाया है, तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय द कंपनी और प्रॉफिट मेड बाय सच पर्सन। और अगर आपने सेशन का नॉन कंप्लायंस किया तो इसको डिफॉल्ट माना जाएगा एंड कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर KMP के ऊपर पेनल्टी आएगी। कितनी पेनल्टी आएगी? 50,000 और 5 times ऑफ जो बेनिफिट अक्रू हुआ है, विच एवर इज हायर। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो आई बिलीव दिस मच पार्ट इज क्लियर। अब देखो, अब यहां पे कोरम फॉर जनरल मीटिंग क्या होता है? सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम? तो कोरम का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब व्हेन यू टॉक अबाउट द कोरम, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब कोरम की बात करते हैं तो उसमें पर्सनली प्रेजेंट वर्ड आता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनली प्रेजेंट? मतलब अगर आप कोई प्रॉक्सी अगर अटेंड कर रहे हैं आपके बिहाफ पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो उसको कोरम में कंसिडर नहीं करते। तो क्या कोरम है? तो अगर पब्लिक कंपनी है जिसमें 1,000 से कम मेंबर हैं, तो यहाँ पे आपका कोरम कितना होगा? 5 members पर्सनली प्रेजेंट। अगर 1,000 से 5,000 मेंबर हैं तो 15 members पर्सनली प्रेजेंट, और अगर 5,000 मेंबर से ज़्यादा हैं तो 30 members पर्सनली प्रेजेंट। नाउ दिस इज अ कोरम फॉर जनरल मीटिंग। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 members पर्सनली प्रेजेंट। नाउ दिस इज द कोरम। अच्छा, यहाँ पे अगर AOA में अगर कंपनी चाहे तो AOA में हायर कोरम प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब अगर मान लो कंपनी में जो मेंबर है, अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, देन दे कैन ऑलवेज ऑथराइज अ पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव कोरम में कंसिडर किया जाएगा, उसको प्रॉक्सी कंसिडर नहीं करते। तो क्या लिखा है? तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट गवर्नर डीम टू द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। नाउ यहाँ पे एक पर्सन जो है वो मल्टीपल बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर आपको कोरम चाहिए तो कम से कम 2 persons दो इंडिविजुअल मीटिंग में होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मान लो मेरी कंपनी में, एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरी कंपनी में 800 members है, ठीक है? तो अगर 800 members हैं तो कोरम कितना होना चाहिए? 5 members पर्सनली प्रेजेंट। अच्छा, उन 800 members में से मान लो 50 members बॉडी कॉर्पोरेट हैं, उन 50 ने मेरे को ऑथराइज कर दिया, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल 50। तो जब मैं मीटिंग में पहुंचूंगा तो मैं एक नहीं हूं, मैं 50 हूं। लेकिन अगर मीटिंग में सिर्फ अकेले मैं हूं तो क्या मीटिंग हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मीटिंग के लिए आपको 2 individuals चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड कि कोरम जो है इट शुड बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग बट शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। अब अगर मान लो कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है कितने टाइम में? 30 minutes के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगा? एडजर्न हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने EGM में क्या पढ़ा था कि अगर EGM रिक्विजनिस्ट ने बुलाया है और कोरम प्रेजेंट नहीं है 30 minutes में, तो मीटिंग क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन अदर देन EGM बाय रिक्विजनिस्ट, अगर बाकी जगह जनरल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है 30 minutes के अंदर, तो मीटिंग स्टैंड टू बी एडजर्न सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक और सम अदर डे प्लेस एंड टाइम जो बोर्ड डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे नाउ द टर्म पर्सनली प्रेजेंट क्या होता है? एज आई सेड कि अटेंडिंग मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रॉक्सी, इसको कोरम में कंसिडर नहीं करते। नाउ यू में से कि सर फिर पैंडेमिक के टाइम पे क्या था? तो पैंडेमिक के टाइम पे टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था जिसमें यह बोला गया था कि 31 मार्च 2022 तक जो भी जनरल मीटिंग होगी वो उसमें मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड कि जनरल मीटिंग कोरम क्या है? तो कोरम एज पर 103 और AOA विच एवर इज हायर। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर मेंबर ऑफ द कंपनी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं और इस रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग प्रॉक्सी कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब इसको भी कोरम में कंसिडर किया जाएगा। अब अगर मान लो कोरम प्रेजेंट नहीं है तो चेयरमैन क्या करेगा? मीटिंग को एडजर्न कर देगा।
नाउ एंड उसके लिए मीटिंग को एडजर्न करने के लिए उसको जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोरम प्रेजेंट है और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी हो रहा है, मान लो बाहर वॉर लाइक सिचुएशन चालू हो गए हैं, राइट्स चालू हो गए हैं, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया और चेयरमैन को मीटिंग एडजर्न करना है, सो व्हाट इज ही कैन डू दैट थिंग विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट. अब जब एडजर्न मीटिंग होता है तो एडजर्न मीटिंग क्या फ्रेश मीटिंग है? नहीं. तो क्या मीटिंग में वापस सारे मैटर्स वापस ट्रांजिट किए जाएंगे? नहीं. एडजर्न मीटिंग में सिर्फ वो मैटर लिए जाएंगे जो अनफिनिश्ड बिजनेस मैटर थे, कोई भी नया मैटर नहीं लिया जाएगा. फर्दर क्या लिखा है कि रिजोल्यूशन जब आप पास करोगे एडजर्न मीटिंग में तो उसका डेट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन कब का माना जाएगा? एडजर्न मीटिंग डेट का एंड न कि ओरिजिनल मीटिंग डेट का. क्लियर? अब एडजर्न मीटिंग के लिए क्या बोला है कि अगर एडजर्न मीटिंग होता है या तो टाइम डेज प्लेस चेंज हो रहा है तो कंपनी को 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को. या तो इंडिविजुअल नोटिस दे सकते हैं या तो पब्लिश कर सकते हैं वन इंग्लिश एंड वन वर्नाकुलर में जहाँ पे कंपनी का रेस्ट ऑफिस सिचुएटेड है. एंड अगर एडजर्न मीटिंग में हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसको ही कोरम कंसिडर कर लेंगे. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड मीटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एडजर्न मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा. जनरल मीटिंग में वापस मीटिंग ना तो एडजर्न होगा ना कैंसिल होगा, जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसको ही कोरम मान लिया जाएगा. क्लियर? अब चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, देखो चेयरमैन क्या है कि आर्टिकल्स में ना आर्टिकल में कंपनी में प्रोवाइड कौन चेयरमैन रहेगा, तो आर्टिकल में प्रोवाइड अगर आर्टिकल में कुछ और नहीं लिखा है तो मेंबर जो है जो आए हैं वो अपने में से किसी पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे. इसके अलावा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है दैट पर्सन कैन बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. एंड इट इज ऑलवेज प्रैक्टिकली यही होता है रियल लाइफ में कि अगर रिलायंस या कोई भी बड़ी कंपनी देखोगे तो उसमें चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग कौन होता है? द पर्सन हु इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग. तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज द चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर वहां पे चेयरमैन से क्वेश्चन पूछने आए हैं. अब अगर मान लो कोई शेयर होल्डर ही चेयरमैन बन जाता है तो उसको कहाँ कुछ पता है कंपनी के प्रोसीडिंग के बारे में. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड प्रैक्टिकल होता है, यही होता है कि जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है वही चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग भी बनता है. लेकिन अगर मान लो चेयरमैन मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, कितनी देर में? 15 मिनट्स में, जो भी टाइम फिक्स किया था मीटिंग का, या तो वो चेयरमैन बनने के लिए विलिंग नहीं है या तो कोई भी डायरेक्टर विलिंग नहीं है, कोई भी डायरेक्टर को डेजिग्नेट नहीं किया गया है, तो जो डायरेक्टर नाउ तो जो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है वो अपने में से किसी एक पर्सन को चेयरमैन बना देंगे. और अगर कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में 15 मिनट्स के अंदर या कोई भी डायरेक्टर चेयरमैन बनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मेंबर अपने में से किसी एक मेंबर को चेयरमैन बना देंगे और उसके बाद ही प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगा. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग बिना चेयरमैन के कंडक्ट नहीं हो सकता. फर्दर क्या लिखा है? अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर मैटर के लिए पोल की डिमांड किया गया है, मान लो एंड पोल की डिमांड किस लिए किया गया है? फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन. तो इफ पोल इज डिमांडेड फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, तो यहां पे जब पोल का रिजल्ट नहीं आएगा तो जो चेयरमैन शो ऑफ हैंड से है वो कंटिन्यू करेगा, और जब पोल का रिजल्ट आ जाएगा तो जो चेयरमैन पोल से अपॉइंट हुआ है वो रेस्ट ऑफ द मीटिंग में चेयरमैन रहेगा. फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक कंपनी में चेयरमैन उन मैटर में जिसमें चेयरमैन इंटरेस्टेड है उसमें वो चेयरमैन का पोजीशन नहीं कंडक्ट करेगा. क्यों? सिंपल फंडा समझो, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है. एंड व्हाट इज कास्टिंग वोट? कि अगर वोट इन फेवर और वोट इन अगेंस्ट एक हो गया तो चेयरमैन वोट इज द डिसाइडिंग वोट. अब अगर ऐसा होता है एंड चेयरमैन अगर खुद इंटरेस्टेड है तो डोंट यू थिंक कि वहां पे वो वोट ही नहीं कर पाएगा? तो अगर किसी पर्टिकुलर मैटर में चेयरमैन इंटरेस्टेड है तो वो उस मैटर के लिए चेयरमैन नहीं रहेगा, मीटिंग से चेयरमैन की पोजीशन हट जाएगा, कोई और पर्सन चेयरमैन बनेगा, और जब वो मैटर पास हो जाएगा तो फिर वो वापस चेयर को रिज्यूम कर सकता. तो क्या लिखा है? Now, इनके तो पब्लिक कंपनी, द चेयरमैन शैल नॉट प्रपोज एनी रिजोल्यूशन इन विच ही इज डीम्ड टू बी कंसर्न इंटरेस्टेड नॉट ही शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ दैट आइटम. फर्दर क्या लिखा है? द चेयरमैन इज इंटरेस्टेड इन एनी आइटम विदाउट प्रेजुडिस टू द वोटिंग राइट ही शैल एंट्रस्ट द कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आइटम टू एनी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर. तो किसी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर को दे दिया जाएगा या तो किसी मेंबर को दे दिया जाएगा विद द कंसर्न ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड
यहाँ पे एंड ही विल रिज्यूम, वो कब रिज्यूम करेगा, जब वो आइटम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, नाउ पता क्या लिखा है कि अगर कोई भी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं या कोई भी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं किया है तो चेयरमैन मेंबर्स को बताएगा कि ये डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं किया है एंड डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी विल बी सीटेड विद द चेयरमैन. अब चेयरमैन के फंक्शन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि चेयरमैन का फंक्शन है दैट वो ये डिक्लेयर करता है कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज पॉइंट वन. सेकेंडली वो ये डिक्लेयर करता है कोरम प्रेजेंट है कि नहीं, वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, वो ये डिक्लेयर करता है कि प्रॉक्सी जो है जो कंपनी को मिला है वो वैलिड है कि नहीं है, फर्दर वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है डिमांड ऑफ पोल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कास्टिंग वोट एक्सरसाइज कर सकता है. तो कास्टिंग वोट होता क्या है कि अगर वोट इन फेवर और वोट इन अगेंस्ट है तो जो डिसीजन है वो चेयरमैन के वोट से लिया जाएगा एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज कास्टिंग वोट. ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कंपनी का चेयरमैन जो है वो कंपनी का मेंबर भी है, हो सकता है, तो एज अ मेंबर वो कब वोट करेगा, नॉट ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस गोइंग ऑन एंड नॉट आफ्टरवर्ड, मतलब जब वोटिंग प्रोसेस चल रहा होगा उसी समय वोट करेगा, उसके बाद वोट नहीं करेगा. एंड एज अ चेयरमैन वो कब वोट करेगा, जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड वोट इन फेवर इज इक्वल टू वोट इन अगेंस्ट होगा तो ही वो वोट करेगा एज चेयरपर्सन. क्लियर. इसमें ना दो पॉइंट आपको रीड करने चाहिए, दिस पार्ट एंड दिस पॉइंट. रीड फास्ट. सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज टू बी कॉल्ड एज प्रॉक्सी. आप देखो प्रॉक्सी में क्या बोला है, ना प्रॉक्सी में क्या बोला है कि मेंबर जो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं एंड वोट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, वो अपने ना वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अब ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सी है ये कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. नाउ अब यहां पे सो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, या तो अगर एओए बोलता है दैट नाउ एओए प्रोवाइड दैट मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, देन दे कैन अपॉइंट प्रॉक्सी. अब यहाँ पे अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, देखो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नाउ दैट इज द प्रॉक्सी रिक्वायरमेंट विल बी देयर, और नाउ एओए, नाउ एओए प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी, देन कंपनी कैन प्रोवाइड प्रॉक्सी ऑथराइज मेंबर दैट दे कैन अपॉइंट प्रॉक्सी. इसका मतलब अगर एओए में कुछ नहीं बोला है एंड कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर प्रॉक्सी के रिक्वायरमेंट देखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, नहीं, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इज एंटाइटल टू अपॉइंट प्रॉक्सी. तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकता है हर मैटर में, नहीं. तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर मैटर में वोट नहीं कर सकता तो उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करने की अथॉरिटी नहीं है. अब यहाँ पे जो प्रॉक्सी है, नॉ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड प्रॉक्सी के पास राइट टू स्पीक नहीं होता, मतलब प्रॉक्सी कैसे वोट कर सकता है, ओनली बाय पोल. अब यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी में ओनली मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी. अब यहाँ पे सो मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग एंटाइटल अपॉन अनदर पर्सन टू वोट ऑन हिज बिहाफ. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है इन वन जनरल मीटिंग, तो मैक्सिमम 50 मेंबर्स का, या तो मेंबर होल्डिंग मैक्सिमम 10% ऑफ द शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट. इसका मतलब क्या, मान लो मैं आप सब रिलायंस के शेयर होल्डर हूँ, मैं आप सब का क्या प्रॉक्सी बन सकता हूँ. सी मान लो आप सब 50 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो मैं 50 का प्रॉक्सी बन सकता हूँ, मैं 50 से ऊपर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता. दूसरा, अगर आप मान लो ये 10 लोग हैं, ठीक है, इन 10 के पास टोटल होल्डिंग 20% है, तो क्या मैं 10 का प्रॉक्सी बन सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर, येस, बट इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट नो. तो अपने को दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम 50% का प्रॉक्सी बन सकते हैं 50 मेंबर्स का, दूसरा मैक्सिमम उन मेंबर्स का जिनके पास 10% ऑफ शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट है. फर्दर क्या लिखा है कि अगर मेंबर के पास होल्डिंग जो है वो 10% से ऊपर है तो वहां पे वो मेंबर जो है वो सिंगल प्रॉक्सी, नाउ मे अपॉइंट अ सिंगल प्रॉक्सी, और वो जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता. मतलब क्या हो गया,
कि मान लो आपके पास 15% शेयर कैपिटल पड़े हैं, ठीक है, तो यू हैव अ 50% शेयर कैपिटल द कंपनी. अब आपने मेरे को अपना प्रॉक्सी बना दिया, तो फिर मैं आपका एक्सक्लूसिव हो गया, फिर मैं और किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता इन दैट फॉर दैट पर्टिकुलर जनरल मीटिंग इन दैट कंपनी. अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी जो है वो कंपनी के पास कब डिपॉजिट किया जाएगा, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. याद रखना, अगर एओए में 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम लिखा है, मान लो एओए में लिखा है 50 आवर्स, 60 आवर्स, 70 आवर्स, तो भी क्या प्रिवेल करेगा, 48 आवर्स. फर्दर क्या लिखा है, नाउ द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी शैल बी इन फॉर्म एमजीटी 11. तो ये एमजीटी 11 में होगा और इसको ड्यूली रिटन साइंड होना चाहिए. नाउ जो अपॉइंटर है, अपॉइंटर मतलब जिसने अपॉइंट किया है, या तो उसके ऑथराइज एजेंट उसको साइन करेगा. अगर अपॉइंटर बॉडी का ऑपरेट है तो इंस्ट्रूमेंट पे कॉमन सील लगाया जाएगा या तो ड्यूली साइन किया जाएगा बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी. अभी नाउ वो मेंबर जो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, वो प्रॉक्सी का रजिस्टर इंस्पेक्शन कर सकता है. और इंस्पेक्शन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 3 days बिफोर द मीटिंग उसको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को. एंड कंपनी उसको जो इंस्पेक्शन प्रोवाइड करेगा, इंस्पेक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी, वो प्रोवाइड करेगा कभी, 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग एंड अप टू द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. व्हाट इज बिजनेस आवर्स, 9 AM to 6 PM. अच्छा, जो भी प्रॉक्सी कंपनी को मिलेगा उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाएगा इन द रेस्ट ऑफ प्रॉक्सी. और अगर यहाँ पे किसी प्रॉक्सी को रिजेक्ट किया गया, तो प्रॉक्सी को क्यों रिजेक्ट किया गया, दैट हैव टू बी मेंशन. फर्दर क्या लिखा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी मतलब कौन सा फॉर्म, MGT 11, तो आपका रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी जो है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी है उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी किया जाएगा. एंड वो वैलिड कब तक रहेगा, उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए. नाउ दैट इंक्लूड एडजर्नमेंट ऑल्सो, मतलब अगर जनरल मीटिंग एडजर्न हो जाता है तो वापस फ्रेश प्रॉक्सी लेने की जरूरत नहीं है. ना यहाँ पे क्या लिखा है, अगर जनरल मीटिंग एडजर्न हो गया तो अगर आपको इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी करना था तो उसके लिए आपको वापस फ्रेश रिक्वेस्ट देना पड़ेगा. इसका ऐसा क्यों, सी फॉर एग्जांपल ए पर्टिकुलर जनरल मीटिंग है जिसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं उस दिन नहीं हूँ, तो मैंने किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया. लेकिन अगर मीटिंग एडजर्न हो गया तो एडजर्न मीटिंग वाले दिन मैं अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पे भी मैं प्रॉक्सी को नहीं भेजूंगा, मैं खुद मीटिंग में जाऊँगा. सो देयर कैन बी सम चेंजेस. या जब ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग था उस दिन मैं अवेलेबल था, लेकिन जब एडजर्न मीटिंग हुआ उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे What is required that register of proxy में changes हो सकता है. तो अगर आपको inspection करना है proxy का, तो आपको company को fresh request करना पड़ेगा. And अगर मान लो proxy appoint करने के बाद member खुद meeting में आ जाता है, तो जो proxy appoint किया था वो automatically revoke हो जाएगा. लेकिन अगर proxy ने कोई vote cast कर दिया है तो वो valid रहेगा. इसका मतलब मान लो particular board meet, general meeting है, उसमें मैंने proxy को appoint किया था, मीटिंग चालू हुआ, प्रॉक्सी ने 2-3 मैटर पे वोट कर दिया है, उसके बाद मैं फ्री हो गया और मैं भी मीटिंग में चला गया, तो जैसे ही मैं मीटिंग में जाऊंगा प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. लेकिन जो मैटर पे प्रॉक्सी वोट कर चुका है वो मैटर पे वोट प्रॉक्सी का ही प्रिवेल किया जाएगा. अच्छा, यहाँ पे प्रॉक्सी नीड टू बी डेटेड एंड अनडेटेड, शैल नॉट बी एक्सेप्टेड. अब यहाँ पे अगर रिवोकेशन करना है, प्रॉक्सी को रिवोक करना है, तो उसको वही पर्सन साइन करेगा जिसने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया था. पता क्या लिखा है कि अगर प्रॉक्सी रिवोक हुआ है तो प्रॉक्सी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. फर्दर क्या लिखा है, दैट प्रॉक्सी नीड टू बी ड्यूली स्टैम्प. तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी है उस पर आपको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा. और अगर प्रॉक्सी अनडेटेड है या अनस्टैम्प है तो उसको वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या लिखा है कि अगर मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर स्टेट है, तो अगर वो लोग चाहें तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर वो लोग चाहें तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है कि अगर मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है तो जो लास्ट डेटेड प्रॉक्सी होगा वो प्रिवेल करेगा, प्रोवाइडेड उसकी डेट कब की होनी चाहिए, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. नेक्स्ट क्या दिया है, दैट इफ मल्टीपल प्रॉक्सी, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इफ मल्टीपल प्रॉक्सी बीइंग अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट, तो टाइम स्टैम्पिंग लगाना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज टाइम स्टैम्पिंग, तो टाइम स्टैम्पिंग का मतलब होता है कि अगर मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया सेम डे पे, तो आपको टाइम स्टैम्पिंग लगाना पड़ेगा, मतलब किस टाइम पे कंपनी को मिला है, और उसमें भी जो लास्ट मिला होगा वही रिसीव वैलिड माना जाएगा. प्रोवाइडेड वो कंपनी को कब मिल जाना चाहिए, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. नेक्स्ट क्या दिया है, नाउ फर्दर मोर
If proxy is undated, then it shall be considered to be invalid. Clear? So these 25 points are very crucial with respect to proxy, and proxy as a topic is very crucial. So I want all of you to read these points and read fast. So I believe proxy ke sare points read kar liye aap log ne, and it's absolutely clear now. Chalo, ab aate hain hum log section 106 pe. Now restriction of voting right. देखो ये क्या लिखा है कि जो members का voting right है वो कभी भी restrict नहीं होता, except member का voting right कब restrict हो सकता है? अगर आपने call का payment नहीं किया, then voting right restrict हो जाएगा. इसके अलावा अगर shares आपने pledge किए थे and shareholder ने loan का payment नहीं किया and lender ने right of lien exercise किया है, तो voting right suspend हो जाएगा. Clear? So voting right will be restricted. Now section 108, that is voting by electronic means, very important. अच्छा, voting by electronic means mandatory किन companies के लिए है? वो company जिसका equity share listed है recognized stock exchange में, दूसरा वो company जिसमें 1000 और more members हैं, these are the company जहाँ पे voting by electronic means mandatory है. and किन company के लिए optional है? अगर company innovator growth platform पे listed है, जिसको पहले क्या बोलते थे, institutional trading platform. अगर कोई कंपनी SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, SME एक्सचेंज पे, अगर किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, एंड फोर्थ निधि कंपनी, तो इन कंपनी में वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस मैंडेटरी नहीं है. अब देखो, सो व्हाट इज अ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस पे एप्लीकेबिलिटी किस कंपनी पे है? लिस्टेड कंपनी पे, और कंपनी जिसमें 1000 और मोर मेंबर्स हैं. नॉन एप्लीकेबिलिटी किसमें है? जिसका डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे है, या तो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसको पहले क्या बोलते थे, जिसको अब क्या बोलते हैं, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म. अब व्हाट इज रिक्वायर्ड? अगर नो, यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगर कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रहा है, तो अपने को रूल 20 कंप्लाई करना पड़ेगा. अब रूल 20 में कुछ पॉइंट्स हैं, दैट्स समथिंग वी नीड टू रिमेंबर, कि अपने को एक डेट देना पड़ेगा, कट ऑफ डेट, और कट ऑफ डेट पे जो भी शेयर होल्डर होगा वो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो डिटरमाइन हु आर द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग और वोटिंग बाय मीटिंग नॉट अर्लियर देन 7 डे प्रायर टू द डेट ऑफ द मीटिंग, दैट इज टू बी कॉल्ड एज कट ऑफ डेट. अच्छा, व्हाट इज रिमोट ई वोटिंग? तो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ना दो तरीके से होता है. एक होता है रिमोट ई वोटिंग. रिमोट ई वोटिंग का मतलब होता है कि आप जहां पे जनरल मीटिंग अटेंड करो वहां पे वोट नहीं करोगे, आप कहीं और वोट करोगे. सेकंड होता है वोटिंग एट वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एट जनरल मीटिंग. इन दोनों को जब ऐड किया जाता है, दैट टोटल इज कॉल्ड वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस. यहाँ पे क्या लिखा है, एंड यहाँ पे अगर आपने रिमोट ई वोटिंग से वोट कर दिया है, तो आप मीटिंग में अटेंड कर सकते हो लेकिन वापस वोट नहीं कर सकते. क्या लिखा है, only member who are not exercised their voting through remote e-voting be entitled to vote at the meeting. Further kya likha hai, that notice, now notice kya kiya jayega, company ke sare members, auditor, directors ko bheja jayega and company ke website pe place kiya jayega. yahan pe aapko ye batana padega ki kaun kaun se business hai jisko e-voting se karna hai aur aap apna e-voting kab tak cast kar sakte ho, matlab you have to specify that remote e-voting aap kab tak kar sakte ho. नौ, कंपनी को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा. किस किस न्यूज़पेपर में? एक इंग्लिश में, एक वर्नाकुलर में, एंड कितने दिन पहले? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. अच्छा, ये रिमोट ई वोटिंग जो है ये कितने दिन तक ओपन रहेगा? मिनिमम 3 डेज के लिए. एंड ये क्लोज कब होगा? जिस दिन आपका जनरल मीटिंग होने वाला है उसके एक दिन पहले शाम के 5 बजे तक. नाउ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग, अगर आपने एक बार वोट कास्ट कर दिया है तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अब अगर आपने वोटिंग कास्ट कर दिया तो आपका जो वोट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा. एंड कंपनी क्या करेगा, कंपनी स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करेगा, जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, इन द विद इन 3 डेज आफ्टर द वोटिंग बींग डन, विद इन 3 डेज अपनी रिपोर्ट बना के देगा एंड चेयरपर्सन को भेजेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस. अब चेयरपर्सन क्या करेगा, चेयरपर्सन या पर्सन ऑथराइज वो रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा. तो टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग. नाउ यहाँ पे जो रजिस्टर ऑफ एंटायर वोटिंग है इसको मेंटेन किया जाएगा फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में. नाउ जो भी रेलेवेंट पेपर्स हैं वो पहले तो किसके पास रहेंगे, स्क्रूटनाइजर के पास, और बाद में वो किसको दे दिया जाएगा, चेयरपर्सन को. एंड चेयरपर्सन जो रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है
प्लस स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, इसको कंपनी के वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा कितने दिन के अंदर, विद इन 2 डेज ऑफ रिजोल्यूशन। फर्दर क्या लिखा है कि यहाँ पे किस मेंबर ने क्या वोट कास्ट किया, येस बोला है नो बोला है, उसको एब्सोल्युटली सीक्रेट एंड इंटैक्ट मेंटेन किया जाएगा। अब अगर अपने को रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट मिले तब तो रिजोल्यूशन पास मानेंगे, अदरवाइज रिजोल्यूशन विल नॉट डिक्लेयर टू बी पास। अब रिजोल्यूशन जो डिक्लेयर किया है प्लस स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, इसको कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में रखा जाएगा एंड लिस्टेड कंपनी में ये जो डिटेल है स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट एंड रिजल्ट, ये स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी मैटर के लिए वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दिया गया है तो फिर आप उसमें वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड अवेलेबल नहीं होगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर किसी पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग कर लिया है तो मीटिंग अटेंड जरूर कर सकता है लेकिन वापस वोट कास्ट नहीं कर सकता। नाउ यहाँ पे देखो, देर आर सर्टेन मैटर। नाउ इफ यू रीड रूल 22 जो कि अभी हम लोग पोस्टल बैलेट में पढ़ने वाले हैं, सो पहले क्या था कि देर आर सर्टेन मैटर जो पहले पोस्टल बैलेट से ही पास करना जरूरी था, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बाद वो मैटर भी कंपनी जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा। और अगर पोस्टल बैलेट से किया है तो पोस्टल बैलेट आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया तो रूल 20 कंप्लाई करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। फर्दर क्या लिखा है ना, यहाँ पे जब हम लोग ई वोटिंग करते हैं तो वहां पे वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट नहीं होता, वहां पे वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ने, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो दीज आर द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो तो ये था अपना वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज कॉल्ड पोल। अब पोल में क्या दिया है, नाउ व्हाट इज पोल, तो देखो वोटिंग दो तरीके से होता है, पहला होता है शो ऑफ हैंड से, दूसरा होता है पोल से, एंड वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज ऑल्सो बींग एडेड। तो अब पोल कब लिया जाएगा, तो पोल लेगा है तो 6% स्यू मोटो ले सकता है या तो ऑन द डिमांड ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग प्रॉक्सी। अब यहाँ पे हु कैन डिमांड फॉर पोल, वेरी इंपॉर्टेंट कि पोल की डिमांड कौन कर सकता है, तो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो याद रखना पोल की डिमांड मेंबर भी कर सकता है इंक्लूडिंग प्रॉक्सी, जिसके पास कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल या तो मिनिमम 10% का टोटल वोटिंग राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, सो डिमांड फॉर पोल शैल बी मेड बाय मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी होल्डिंग मिनिमम 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल और होल्डिंग मिनिमम 10% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। एंड अगर यहाँ पे कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो यहाँ पे पोल की डिमांड कौन करेगा, तो यहाँ पे पोल की डिमांड करेगा बाय मेंबर इंक्लूडिंग प्रॉक्सी, जिसके पास कितना वोटिंग पड़ा है, 10% टोटल वोटिंग राइट। क्लियर? नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर केसडी बनता है कि पोल की डिमांड कौन कर रहा है। अब कितने दिन के अंदर पोल लिया जाएगा, सो टाइम विद इन विच पोल शैल बी टेकन, तो अगर पोल की डिमांड की गई है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के लिए या तो इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन के लिए, तो पोल कब लिया जाएगा, इमीडिएटली। और अगर पोल की डिमांड किया गया फॉर किसी और मैटर के लिए तो पोल लिया जाएगा 48 आवर्स व्हेन द डिमांड वाज मेड। क्लियर? अब देखो अगर हम लोग को पोल करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले बोर्ड को स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर को जो भी रजिस्टर्स हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ स्क्रूटनाइजर पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एंड देन वो एक अगर फिजिकल तरीके से किया गया है तो वो एक बैलेट बॉक्स लेगा, उसको सील कर देगा। अब यहाँ पे वोटिंग के बाद वो बैलेट बॉक्स को ओपन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, एंड जब वो वोटिंग के रिजल्ट को काउंट करेगा तो वो अपनी एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो बताएगा भाई कितने मेंबर ने मैटर में येस बोला, कितने मेंबर ने मैटर में नो बोला, जिन्होंने यस बोला उनके पास कितने शेयर्स थे, जिन्होंने नो बोला उनके पास कितने शेयर्स थे, ये पूरा डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, चेयरपर्सन को, एंड चेयरपर्सन या तो कोई भी पर्सन ऑथराइज अब रिजल्ट ऑफ पोल डिक्लेयर करेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज ऑफ द पोल। एंड जो पोलिंग पेपर होगा वो किस फॉर्म में होगा, MGT 12 में। अच्छा, व्हाट वाज MGT 11, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। पोल का क्या है, MGT 12, और उसके संग स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट कौन से फॉर्म में है, MGT 13 में। डन। अब देखो, सो दिस वाज द सेक्शन फॉर पोल। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कम्स इज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में क्या लिखा है कि पोस्टल बैलेट हम लोग कैसे कर सकते हैं,
तो पोस्टल बैलेट हम लोग पोस्ट से भी कर सकते हैं या तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कर सकते हैं। अगर हमने पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक मीन से किया है तो अपने को रूल 20 को कंप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, रूल 20 को कंप्लाई करेंगे टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। नाउ व्हेन आई से टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल मतलब क्या हुआ, इफ यू सी रूल 20 दैट टॉक्स अबाउट वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दो तरीके से होता है, एक होता है रिमोट ई वोटिंग, दूसरा होता है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन जनरल मीटिंग। लेकिन जब हम लोग पोस्टल बैलेट कर रहे हैं तो क्या जनरल मीटिंग हो रही है क्या? नहीं, तो वहां पे सिर्फ रिमोट ई वोटिंग को ही कंसिडर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेक्शन 110 की एप्लीकेबिलिटी क्या है। नाउ सी दिस थिंग, अगर हम लोग सेक्शन 110 की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या दिया है। सो सेक्शन 110 एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल कहाँ पे है, तो सेक्शन 110 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो पहला ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा वो मेंबर जिन वो कंपनी जिसमें 200 मेंबर्स तक हैं वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, और कहाँ पे एप्लीकेबल है इन ऑल अदर कंपनीज। अभी हमने क्या पढ़ा था कि रूल 20 के हिसाब से वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दो तरीके से हो सकता है, एक रिमोट ई वोटिंग, दूसरा वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन जनरल मीटिंग। लेकिन पोस्टल बैलेट में जनरल मीटिंग तो होने वाला नहीं है, तो सिर्फ रिमोट ई वोटिंग ही कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से मैटर हैं, बिजनेस मैटर, जो आप पोस्टल बैलेट से ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, तो जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस, चार बिजनेस, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में होगा, पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकता। इसके अलावा वो मैटर जिसमें डायरेक्टर एंड ऑडिटर के पास राइट ऑफ बीइंग हर्ड है, राइट ऑफ बीइंग हर्ड है मतलब अगर हम लोग मान लो डायरेक्टर या ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं तो वहां पे वो मैटर भी आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हम लोग पोस्टल बैलेट से कौन से मैटर कर सकते हैं, तो देर इज समथिंग कॉल रूल 22 जिसमें पहले एक पूरा डिटेल लिस्ट ऑफ मैटर दिया है जो सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही हो सकता है। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आने के बाद वो मैटर भी अगर कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड थर्ड क्या लिखा है दैट इसके अलावा कंपनी अगर कोई भी और मैटर को अगर ट्रांजेक्ट करना चाहे तो उसे बैलेट के थ्रू कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर तो यहाँ पे मैंने नोट में क्या लिखा कि एनी आइटम ऑफ बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजेक्टेड इन मीटिंग प्रोवाइडेड कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी देगा किसको, अपने मेंबर्स को। अब देखो अब यहाँ पे रूल 22 क्या बोलता है। Now, rule 22 basically talks about those matter जो पहले पोस्टल बैलेट से ही पास करना जरूरी था जिसको अब कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो कौन कौन से मैटर हैं, पहला अगर कंपनी MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहा है, तो ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, तो अगर कंपनी MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहा है तो दैट नीड टू बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट। सेकेंड, अगर कंपनी AOA को ऑल्टर कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अब देखो प्राइवेट कंपनी आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी आर सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोहिबिशन। नाउ व्हाट आर दोज रिस्ट्रिक्शन, कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्या प्रोहिबिशन है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकता। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन कहाँ दिया हुआ है, AOA में, एंड पब्लिक कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन नहीं होता। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन हटाना पड़ेगा, अगर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AOA को ऑल्टर करना पड़ेगा। थर्ड क्या लिखा है, अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। देखो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज चार तरीके से होता है, पहला विद इन द सेम सिटी, मतलब मान लो मेरा रजिस्टर ऑफिस बोरीवली में है, मैं वहाँ से शिफ्ट करके कांदिवली लेके जाना चाहता हूँ, ये विद इन द सेम सिटी है तो अपने को सिर्फ बोर्ड रिजर्वेशन पास करना है। दूसरा होता है फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, मान लो मैं बोरीवली से इसको रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट करके थाने लेके जाना चाहता हूँ, भाईंदर लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको डोंबिवली लेके जाना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिटी चेंज हो गया, बॉम्बे से थाने हो गया। थर्ड, विद फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी एंड फ्रॉम वन ROC टू अदर ROC विद इन सेम स्टेट। अब देखो महाराष्ट्र में दो ROC हैं, एक ROC बॉम्बे दूसरा ROC पुणे, तो अगर मैं बॉम्बे से पुणे शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिटी तो चेंज हुआ ही साथ में ROC भी चेंज हो गया,
एंड चौथा फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, मैं बॉम्बे से दिल्ली लेके जाना चाहता हूँ, दैट इज अनदर वे ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस. तो अगर मैं पहले वाले को छोड़ के अगर मैं कोई भी रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहा हूँ तो उस तीनों के लिए मेरे को स्पेशल ऑप्शन पास करना पड़ेगा, और अगर स्पेशल ऑप्शन पास करना पड़ेगा तो दैट नीड टू बी पास बाय पोस्टल बैलेट. इसके अलावा अगर कंपनी ने ऑब्जेक्ट रेस की फंड रेस किया है एंड फंड रेस करने के बाद अगर कंपनी ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहता है तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू. इसके अलावा अगर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू करना चाहता है, शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज करना चाहता है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, कंपनी बायबैक करना चाहता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, अगर अंडरटेकिंग को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, इन सब मैटर के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और वो रिजोल्यूशन कैसे पास किया जाएगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू. इसके अलावा अगर कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, नाउ व्हाट इज लिमिट, 186 सेक्शन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट एज अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फंक्शनिंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी. तो 186 की लिमिट कितनी होती है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर. तो यहाँ पे अगर आप इस लिमिट के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ऑप्शन पास करना पड़ेगा, एंड दैट नीड टू बी पास बाय पोस्टल बैलेट. लेकिन अमेंडमेंट क्या बोलता है कि एनी आइटम ऑफ बिजनेस जो पहले पोस्टल बैलेट से पास करना मैंडेटरी था वो भी अगर कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है, जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ई वोटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा. इसके अलावा 1% कंपनी या तो वो कंपनी जिसमें 200 मेंबर्स तक हैं, नॉट मोर देन 200 मेंबर्स, उस उन कंपनीज में पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होता. डन. अब देखो, अब यहां पे ना पोस्टल बैलेट फॉर्म कब इनवैलिड हो जाएगा, अगर आपने कंपनी ने जो फॉर्म दिया उसके अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म यूज किया है, या तो आपने उसको साइन नहीं किया है, या तो सिग्नेचर जो है जो कंपनी के रिकॉर्ड में सिग्नेचर उससे मैच नहीं हो रहा है, या तो आपका एसेंट और डिसेंट डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, आपने एसेंट में भी यस कर दिया डिसेंट में भी यस कर दिया, तो फिर क्या वोट माना जाए, कुछ नहीं, तो पोस्टल बैलेट फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा. या तो आपने एसेंट डिसेंट कुछ भी नहीं किया ना. यहाँ पे अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, कोर्ट ने, एनसीएलटी ने, सेबी ने अगर आपकी वोटिंग को फ्रीज कर दिया है. अच्छा, वोटिंग को फ्रीज किया मतलब क्यों वोटिंग को फ्रीज किया गया होगा, कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंस होंगे ना, तो अगर वोटिंग को फ्रीज कर दिया है तो इन दैट केस योर पोस्टल बैलेट विल बी इनवैलिड. देन आपका फॉर्म जो है जो लास्ट डेट दिया उसके बाद रिसीव हुआ है. नाउ अगर फॉर्म को रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के पास अथॉरिटी है नहीं है, वो जो लेटर है अथॉरिटी लेटर वो अटैच ही नहीं किया गया है, या तो मेंबर ने कॉल का पेमेंट नहीं किया, याद रखना अगर कॉल का पेमेंट नहीं किया है तो सेक्शन 106 क्या बोला था कि आपका वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. फर्दर अगर आपका पोस्टल बैलेट फॉर्म डिफेस हो गया, मल्टीलेटेड हो गया जिसे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, या तो मेंबर जो है ना उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ कंडीशन स्पेसिफाई किया है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, दीज आर द कंडीशन जब आपका पोस्टल बैलेट फॉर्म इनवैलिड हो जाता है. अब प्रोसीजर क्या है, कंपनी को पहला क्या करना पड़ेगा, कंपनी को मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस के संग कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा टू हर एक शेयर होल्डर को, एंड दे हैव टू रिप्लाई, गिव देयर रिप्लाई कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर. अब यहाँ पे जब आपने नोटिस को डिस्पैच कर दिया तो उसको पब्लिश किया जाएगा, कहाँ पब्लिश करेंगे, वन इंग्लिश एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में. अब इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा. नाउ अगर देखो पोस्टल बैलेट जो है वो कंपनी फिजिकल फॉर्म में भी कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकता है. अगर कंपनी फिजिकल फॉर्म में कर रहा है तो वहाँ पे बैलेट पेपर होंगे, तो बैलेट पेपर किसके क्लोज स्क्रूटनी में रहेंगे, किसकी कस्टडी में रहेंगे, स्क्रूटनाइजर के. अब स्क्रूटनाइजर जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर. एंड जब ना यहाँ पे जब सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वो चेयरपर्सन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसको चेयरपर्सन साइन करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली चेयरपर्सन रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा. तो यहाँ पे क्या दिया है, तो रिजल्ट टू बी प्लेस ऑन द वेबसाइट एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, जिस दिन आप पोस्टल बैलेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो उस दिन डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन मानते हैं. देन दिस इज योर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू पोस्टल बैलेट. अब देखो, अब सेक्शन 112
एंड 113 क्या बोलता है ये समझो. नाउ सेक्शन 112 नाउ सेक्शन 112 113. नाउ ये जो दो सेक्शन है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 112, 112 क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी के मेंबर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या तो गवर्नर ऑफ स्टेट है. तो अगर मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट है, या तो अगर जो दैट इज सेक्शन 112, और अगर मेंबर कौन है, मेंबर है बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज सेक्शन 113, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं. और ये जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इसके पास वो सारे राइट्स होंगे जो कंपनी के मेंबर्स के पास होते हैं. आप देखो, अगर कंपनी के मेंबर्स के पास क्या क्या राइट होते हैं, तो इसका मतलब ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. इसके अलावा ये कोरम को काउंट करेगा. थर्ड, नाउ एंटाइटल टू स्पीक है. एंड फोर्थ, नाउ ये वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड और बाय पोल इसको पार्टिसिपेट कर सकता है. मतलब दीज आर द मैटर जिसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैव द सेम राइट एज वेस्टेड विद द मेंबर. क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन. अब देखो, अब ये क्या है, सी दिस थिंग. देखो, रिजोल्यूशन ना ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं. एक वो रिजोल्यूशन होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं, दूसरा वो रिजोल्यूशन होता है जिसको मेंबर्स पास करते हैं. जो रिजोल्यूशन बोर्ड पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन, और जो रिजोल्यूशन मेंबर पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या तो स्पेशल रिजोल्यूशन. अब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कौन सा है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बेसिकली वो रिजोल्यूशन है जिसमें वोट इन फेवर इज मोर देन वोट इन अगेंस्ट, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. एंड स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियरली लिखना पड़ेगा नोटिस में दैट द रिजोल्यूशन इज स्पेशल रिजोल्यूशन. सेकेंडली, वोट इन फेवर इज मोर देन इक्वल टू 3 times ऑफ वोट इन अगेंस्ट. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिर्फ वैलिड वोट कंसिडर करना है. मतलब अगर किसी ने वोट नहीं किया है या किसी ने इनवैलिड वोट कास्ट किया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता. डन. अब देखो, दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ अब यहां पे सेक्शन 115 क्या बोलता है. नाउ सेक्शन 115 बेसिकली टॉक्स अबाउट रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जिसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ता है. तो बेसिकली 4 matters होते हैं जिसके लिए स्पेशल नोटिस देना है. पहला कौन सा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. दूसरा, अगर हम लोग रिमूव डायरेक्टर के अलावा किसी और को अपॉइंट करते हैं, दैट इज सेकेंड. थर्ड, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर. ये 4 वो मैटर हैं जिसके लिए अपने को स्पेशल नोटिस देना पड़ता है. अब अगर वो मैटर जिसके लिए अपने को स्पेशल नोटिस देना है ना, अगर ये मैटर की रिक्वेस्ट मेंबर ने किया है, तो कौन सा मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है, पहले तो ये समझो. मान लो मैं कंपनी का मेंबर हूँ, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुकेश अंबानी को हटा दो, दिस इज अ प्रपोजल आई वॉन्ट टू गिव. तो यहाँ पे मैं ये स्पेशल नोटिस वाले मैटर को कौन प्रपोज करता है, क्या मेरे पास सिर्फ एक शेयर पड़ा रिलायंस का, तो क्या मैं प्रपोज कर सकता हूँ, नहीं. प्रोविजन क्या बोलता है कि नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय. कौन ये नोटिस दे सकता है, फर्स्ट, पहला मेंबर होल्डिंग जिसके पास मिनिमम 1% वोटिंग राइट है, या तो मेंबर होल्डिंग जिसके पास 5 lakh का पेड अप शेयर कैपिटल है. मतलब दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे मेरे पास 1% वोटिंग राइट होना चाहिए या तो 5 lakh का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए. एंड उसके बाद कंपनी क्या करेगा, कंपनी को जब ऐसी नोटिस मिलेगा तो कंपनी बाकी मेंबर्स को वो नोटिस फॉरवर्ड करेगा, एंड देन मेंबर्स उसके हिसाब से मीटिंग में डिसीजन लेंगे कि अपने को ये करना है या नहीं. अब देखो, तब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोसीजर देखते हैं स्पेशल नोटिस का, तो स्पेशल नोटिस के लिए मेंबर को कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा. कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, मिनिमम 14 days पहले एंड मैक्सिमम 3 months पहले आप नोटिस दे दोगे. एंड जिस दिन आपने नोटिस दिया और जिस दिन मीटिंग है उसको कंसिडर नहीं करते. मतलब यहाँ पे मिनिमम पीरियड कितना है, 14 days, नोटिस का लेंथ ऑफ नोटिस एंड मैक्सिमम कितना है, 3 months. फर्दर क्या लिखा है, कंपनी को जब ऐसा नोटिस मिलेगा तो कंपनी इमीडिएटली क्या करेगा, कंपनी इमीडिएटली बाकी सारे मेंबर्स को नोटिस देगा कितने दिन के अंदर. नाउ
मीटिंग के 7 डेज के पहले नोटिस आपको दे दिया जाएगा। अगेन यहाँ पे जिस दिन डिस्पैच ऑफ नोटिस और मीटिंग है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर मान लो नोटिस देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कंपनी क्या करेगा, इसको पब्लिश कर देगा। अच्छा कहाँ पब्लिश करेगा, 1 इंग्लिश पेपर 1 हिंदी एंड 1 वर्नाकुलर में पब्लिश कर दिया जाएगा। एंड इसको कंपनी के वेबसाइट पर प्लेस करेंगे। एंड ये नोटिस कब पब्लिश किया जाएगा, 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। इसमें भी जिस दिन हम लोग पब्लिकेशन कर रहे हैं उसको एंड जिस दिन मीटिंग है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस इज योर सेक्शन 115 विद रिस्पेक्ट टू रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्लियर, रीड दिस प्रोसीजर प्लीज। सो आई बिलीव दिस पार्ट बीइंग डन। अब देखो, अब यहां पे है नाउ सेक्शन 117। नाउ व्हाट सेक्शन 117 टॉक्स अबाउट, तो 117 बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कंपनी को एमजीटी 14 फाइल करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है विद आरओसी, विद इन 30 डेज। सो कॉपी ऑफ, तो ये कौन कौन से मैटर के लिए एमजीटी 14 फाइल करना है, पहला स्पेशल रिजोल्यूशन, दूसरा वो मैटर जिसको सारे मेंबर्स ने यस बोला है, तीसरा अगर कोई बोर्ड का रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट है विच इज पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब अगर बोर्ड ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है विच इज पर्टेनिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, रीअपॉइंटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब एमडी से कनेक्टेड अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास किया गया है तो वहाँ पे अपने को एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर ने अगर कोई मैटर पास किया है तो क्लास मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो वो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय फाइलिंग एमजीटी 14। इसके अलावा अगर कंपनी का वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रहे हैं, देन अगर कोई रिजोल्यूशन 179(3)(f) में है, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, देखो रिजोल्यूशन जो है जो सेक्शन 179(3) में पास किया जाता है उसके लिए आपको एमजीटी 14 फाइल करना पड़ता है। व्हाट इज 179(3)? सेक्शन 179 बेसिकली टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड 179(3) में वो मैटर्स दिए हुए हैं जिसके लिए कंपनी को बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट बोर्ड मीटिंग। तो यहां पे सो सी दिस थिंग, तो अगर हम लोग यहाँ पे 170 को क्या लिखा है कि रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट बोर्ड मीटिंग अंडर 179(3), तो 179(3) में जो भी मैटर है उसके लिए आपको एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पे आपको एमजीटी 14 फाइल नहीं करना है, अगर मैटर 179(3) का है, दैट इज गिविंग लोन गारंटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बैंकिंग कंपनी कर रहा है, एनबीएफसी कर रहा है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कर रहा है, तो वहाँ पे आपको एमजीटी 14 फाइल करने की जरूरत नहीं है। फर्दर क्या दिया है दैट इसके अलावा वो हर एक रिजोल्यूशन, वो हर एक मैटर जो आपको पब्लिक डोमेन में प्लेस करना है उसके लिए एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन एग्रीमेंट जो है प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर कुछ भी है तो ये अपने को आरओसी में फाइल करना है इन द फॉर्म एमजीटी 14। कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। क्लियर, अब देखो अब सेक्शन 118 क्या बोलता है। नाउ सेक्शन 118 बेसिकली टॉक्स अबाउट मिनट्स। तो अगर कंपनी ने बोर्ड मीटिंग किया है, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग किया है, जनरल मीटिंग किया है, पोस्टर बैलेट किया है, तो कंपनी कोई भी मीटिंग करता है, क्लास मीटिंग किया, तो उन सब की मीटिंग का मिनट्स ड्राफ्ट किया जाएगा। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। क्या लिखा है, सो एवरी कंपनी विद इन 30 डेज कंक्लूजन प्रिपेयर द मिनट्स। नाउ मिनट्स में नाउ जो भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है वो बताया जाएगा, एंड अगर डायरेक्टर्स मीटिंग का मिनट्स है या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग का मिनट्स है तो उसमें यह भी बताया जाएगा कि कितने डायरेक्टर ने इस पर्टिकुलर मैटर में यस बोला एंड मोर पर्टिकुलरली कितनों ने नो बोला है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि कंपनी को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, तो SS1 विच इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर बोर्ड मीटिंग एंड SS2 विच इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर जनरल मीटिंग, वो कंपनीज को फॉलो करना है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। फर्दर क्या लिखा है कि यहाँ पे जो रिजोल्यूशन अगर आपने पोस्टर बैलेट से पास किया है तो उसको जनरल मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर एक पेज ऑफ मिनट बुक है उसको इनिशियल किया जाएगा एंड लास्ट पेज साइन करेंगे। कौन साइन करेगा, अगर बोर्ड मीटिंग मिनट्स है तो बाय द चेयरमैन ऑफ सेम मीटिंग और बाय द चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग मिनट्स है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग साइन करेगा, और अगर मान लो चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है, अच्छा ये चेयरमैन साइन करेगा कितने दिन के अंदर, जनरल मीटिंग में याद रखना चेयरमैन विल साइन द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग विद इन 30
डेज, और अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी, तो फिर कोई और डायरेक्टर साइन करेगा जिसको बोर्ड ऑथराइज करेगा। और अगर पोस्टल बैलेट का मिनट्स है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड साइन करेगा, और अगर उसकी डेथ हो गई है या परमानेंटली डिसेबल हो गया है देन इट विल बी साइन बाय एनी अदर डायरेक्टर विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मिनट्स को कहाँ रखेंगे? मिनट्स को रखा जाएगा कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में। किसके कस्टडी में? अंडर द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और पर्सन अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर। और इसको कितने दिन तक प्रिजर्व किया जाएगा? परमानेंटली। क्लियर? अब देखो, अब सेक्शन 119 क्या बोलता है? नाउ इट टॉक्स अबाउट कि मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग जो है उसको कहाँ पे रखा जाएगा? रजिस्टर ऑफिस में, एंड दैट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली ये किसका मिनट्स है? जनरल मीटिंग का। एंड जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग है? मेंबर्स की। तो वहां पे ये मिनट्स जो है नाउ दैट विल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स नाउ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स विदाउट एनी पेमेंट ऑफ द फीस। अच्छा, यहाँ पे मेंबर जो है नाउ वहाँ पे अगर मेंबर को कॉपी ऑफ मिनट्स रखना लेना है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, एंड जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसके 7 दिन के अंदर उसको कॉपी दे दिया जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस विच हैज बीन स्पेसिफाइड इन एओ विच शैल नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ₹10 पर पेज। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कंपनी ने मिनट्स नहीं दिया तो वहाँ पे अगर डिफॉल्ट किया है कंपनी ने तो जो अग्रीव मेंबर है वो एनसीएलटी के पास जाके एप्लीकेशन कर सकता है। फर्दर क्या लिखा है? नौ सेक्शन 120 क्या बोलता है कि कौन सी कंपनी को रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना है? ऑलवेज रिमेंबर दैट इज जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो क्या लिखा है? सो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। पहले वर्ड लिखा था शैल, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? मे। समझा? सो इफ यू सी दिस थिंग, नाउ दिस इज द सेक्शन 120 ऑफ आवर क्लास नोट्स। उसके देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि कंपनीज रिक्वायर टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसमें क्या लिखा है? एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। देखो एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर मतलब सबको कंबाइन कर दिया जाएगा। क्या लिखा है? मे मेंटेन इट्स रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब अब ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपनी का चॉइस है कि कंपनी चाहे तो रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकता है। एंड यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकल मोड से इलेक्ट्रॉनिक मोड में कितने दिन के अंदर कन्वर्ट करना है? 6 मंथ्स के अंदर। अब ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सेक्शन कमेंट किया गया। सी, लॉजिकली सोचो, इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज लाइक टाटा सन्स विच इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 100 ईयर्स नाउ, अब ऐसी कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स को, और अगर मान लो टाटा सन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, 1000 से ऊपर शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर हैं, अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ तो कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 100 ईयर्स उनके पूरे रजिस्टर को फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मोड 6 महीने के में कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री के पास सजेशन गया, रिप्रेजेंटेशन गया, एंड मिनिस्ट्री ने क्या किया, वहां पे जो वर्ड शेल था उसको चेंज करके मे कर दिया। क्लियर? फर्दर क्या लिखा है? अब देखो यहाँ पे तो सेक्शन 121 क्या बोलता है ना, 121 सेज की जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको, देखो मिनट्स तो बनाना ही है, उसके अलावा एक रिपोर्ट ऑन एजीएम बनाना पड़ेगा, और ये रिपोर्ट जो है ये फाइल किया जाएगा कितने दिन के अंदर? 30 डेज ऑफ एजीएम, कौन से फॉर्म में? MGT 15 में। और इसको साइन कौन करेगा? तो साइन एंड डेटेड चेयरमैन करेगा, या तो दो डायरेक्टर करेंगे जिसमें से एक एमडी होना चाहिए। एंड इसमें क्या लिखा होगा? डेट डेट प्लेस टाइम वेन्यू लिखा होगा, कितने मेंबर आए थे, कोरम था कि नहीं, कौन कौन से बिजनेस मैटर को ट्रांजेक्ट किया गया, मीटिंग एडजर्न हुआ क्या, ये सब चीज़ें जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब दिया जाएगा। और अगर ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं होता है, मतलब MGT 15 फाइल नहीं हुआ, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर पेनल्टी आएगी कितनी? 1 lakh rupees and 500 for every day during which the default continues subject to maximum of 5 lakhs. Now see this thing. तो यहाँ पे penalty कितनी है? 1 lakh है, maximum कहाँ तक जाएगा? 5 lakh rupees तक। And every officer in default penalty कितना है? 25,000. Further penalty कितना है? 500 subject to maximum of 1 lakh. Clear?
एंड याद रखना सेक्शन 122 क्या बोलता है कि ओपीसी को जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा प्रोविजन है जहाँ पे मेंबर का कंसेंट चाहिए, तो वहाँ पे मेंबर अपना कंसेंट देगा और उसको मिनट्स में रिकॉर्ड कर देगा। जिस दिन मिनट्स में रिकॉर्ड करेगा उसी को डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन माना जाएगा। क्लियर? एंड विद दिस योर जनरल मीटिंग रिविजन इज ऑल्सो ओवर।